Radhe 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 Rad
Hare Krishna, Hari Bol, Blessed Vrindavan Bihari Lal Ki Jai, Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. देखो भागवत का जो महिमा है, ये दो पुराण में इसकी महिमा आती है, एक पद्म पुराण और एक है स्कंध पुराण। कहते जो स्कंध पुराण की जो कथा है वो ब्रज की महिमा को वहां पर गान किया है। ब्रज क्या है, वृंदावन की इतने महिमा क्यों, ये वृंदावन भूमि है क्या चीज। कहते ये स्कंध पुराण में बड़ी प्यारी प्यारी कथा थी। हमारे जनार्दन प्रभु जी अभी थोड़ी समय में इसकी महिमा को बताएंगे। श्री जनार्दन प्रभु राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकर्षभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वारंभे अस्मदीय गुरुपाद पद्म मंचासन परिव्राजक आचार्य त्रिदंड स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी कृपा कृष्ण कृपा शक्ति का अभिलाषा करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु गौड़ीय परंपरा के चरण पदवंदन करते हुए उनकी महित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आप सभी वैष्णव वैष्णवी मातृ सज्जन श्रोत मंडली सभी के चरण कमलों में मेरा यथायोग जन्म प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। फिर से हम भरतवासियों की भाग्य उज्जीवित है क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से द्वारा हमें इस कथा को सुनने की अवसर प्राप्त हुआ है।
कुछ लोग हम इस बार वृंदावन गए थे ब्रजमंडल में, वहाँ पे हमने बहुत ही संत लोगों के दर्शन प्राप्त किया। वे सौभाग्य हमें मिला, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद, हमें नया जन्म भी प्राप्त हुआ, कुछ भगवान की भक्ति में हम लगे, तो इसलिए वो भूमि, इसलिए वो संत, इसलिए ठाकुर जी, इनकी यही महिमा है। तो महिमा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर महिमा की पता चल जाए, वस्तु अथवा व्यक्ति की अगर महिमा की पता चल जाए, तो श्रद्धा अपने आप ही उज्जीवित हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, व्यक्ति को कैंसर है, डॉक्टर हर बारी वो दूध पीता है, डॉक्टर ने उसको बोला कि अगर आप एक महीना तक दूध ठीक ठीक टाइम पर पियोगे तो आपकी कैंसर जैसे व्याधि भी सही हो जाएगी। अब वो जो दूध पिएगा तो उसके प्रति उसकी श्रद्धा कैसी होगी, गाढ़ी होगी। पहले भी पीता था परंतु श्रद्धा के साथ नहीं, काम चलाने के लिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, परंतु जिस समय उस वस्तु की ज्ञान की उपलब्धि उसे हो जाए तो तुरंत उसे वो अपनाने में हिचकता नहीं। इसलिए भागवतम जो ग्रंथ है, ये भागवतम कितनी बड़ी चीज है। आज हम यहाँ पे आए पंडाल में बैठे, परंतु हमें इस बात की उपलब्धि कहाँ तक है, साक्षात ठाकुर जी ने उनके भक्तों के माध्यम से इस महिमा की गान किया गया। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया, दो पुराण में इनकी कथा आती है, एक पद्म पुराण और दूसरा स्कंद पुराण। आप लोग जानते होंगे धुंधकारी गोकर्ण, सुत गोस्वामी की जो कथाएँ आप सभी लोग जानते हैं, भक्ति की कथा है, उनके दो पुत्र ज्ञान वैराग्य इत्यादि, ये सब महिमा प्रदर्शित करता है भागवतम की, और ये सब पद्म पुराण की महिमा है। दूसरा है स्कंद पुराण की महिमा, जिसमें ब्रजभूमि की पराकाष्ठा, राधा कृष्ण की जो भक्ति की जो ये भूमिका जो विशेषता है, ये यहाँ पे वर्णन किया गया। तो पद्मनाभ बज्रनाथ जी कृष्ण के जो पुत्र के पुत्र के पुत्र हैं, प्रभु पुत्र हैं, उस समय जिस समय भगवान अपने धाम को चले जाते हैं, भगवान की विरह में सभी जितने भी जीव जंतु ब्रजमंडल में वास कर रहे थे, सब भगवान की विरह में, भगवान की विरह में सब आतुर जैसे पड़े हुए हैं। कोई अपने धाम को चले गए, देवता अपने अंश में मिल गए, जो जो देवता के अंश में आए थे सारे सब कुछ अपने अपने लोग को चले। क्यों? क्योंकि रस स्वरूप जो रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर, अब वो मीठी मीठी लीलाएं करने के लिए कोई नहीं है, तो ब्रज खाली खाली है। परीक्षित महाराज जी को हस्तिनापुर के राज्य देकर युधिष्ठिर महाराज जी चले गए कृष्ण ने, और बज्रनाथ जी को राज्य भार देकर के ब्रज के राजा बना करके कृष्ण भी चले गए, ना भगवान रहे और ना उनके शुद्ध प्यारे बांधव रहे, भक्त रहे। तो इसीलिए परीक्षित महाराज जी को एक बार इच्छा प्रकट हुआ कि मैं चलूँ तो सही, मेरे जो पिताजी हैं, जो कृष्ण हैं, परम पिता हैं, उनके धाम को जाऊं तो देखो तो क्या हालत है वहां पे। तो उस समय जब परीक्षित महाराज जी भागते हुए ब्रज की ओर आए, देखा कि ब्रज तो एकदम सुना सुना सा है, एक छोटे कीड़े मकोड़े तक भी जीवित नहीं है। बज्रनाथ जी को गए मिले और आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे, एक परीक्षित महाराज जी उनकी चाचा लगते हैं, तो उनको प्रणाम किया, बज्रनाथ जी को प्रश्न किया कि बज्रनाथ जी क्या बात है। बज्रनाथ जी बोले कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। बोले तुम भगवान के प्रपुत्र होकर के दुखी? बोले और क्या, जिस राज्य में राजा बिना प्रजा के जीवित हो तो किस बात पे वो राजा है, है? मालिक कहने के अधिकार तो तब है ना जब कोई नौकर है, हमारे दास दासी है, परंतु कोई दास दासी नहीं है, मेरे सेवक कोई नहीं है। बोले ये बात सच बात है, चलो पूछते हैं। तो उस समय भगवान की लीला के समय जो उनके कुल पुरोहित जी थे, उनका नाम था सांडिल्य ऋषि, इनके नंद बाबा के जो कुल पुरोहित थे उनका नाम था सांडिल्य, मुनि सांडिल्य, उन्हीं के पास यमुना जी के तट पे आए, दोनों ने प्रणाम किया और उनको प्रश्न किया कि प्रभु ब्रज में भगवान की लीला समापन के बाद सारे जीव जंतु तो कहाँ गए, सारे ब्रजवासी कहाँ अंतर्ध्यान हो गए, ये जिज्ञास हमारे मन में फूट फूट करके निकल रहा है, तो कृपया आप हमें इसके उत्तर प्रदान करिए। तो उस समय सांडिल्य मुनि ने तो सबसे पहले ये बात को बोले कि
अगर तुम्हें ब्रज की कथा सुनना है, भगवान की कथा सुनना है, उनके परिग्रहों की कथा सुनना है, तो दृढ़ रूप में संकल्प लो, क्योंकि मैं तुम्हें अमोघ बातें बताने जा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे हम लोगों की शिक्षा है कि हम भी वही भगवान की जो कथाएं सुन रहे हैं उस कथा में तन्मयता लानी है, कथा में घुसना है। आगे महाराज जी कल भी बताए थे, श्रोता श्रोता ऐसे नहीं होते, पंडाल में आकर के बैठने से सुकृतियां तो बनेंगे परंतु भगवान की प्रीति पूर्ण मात्रा में प्राप्त होगी इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, परंतु प्रीति बनेगी, भगवान की प्रीति आपके ऊपर रहेगी। श्रोतों दत्त चित्तों में रहस्यम ब्रज भूमिजम, कि तुम दत्त चित्त होकर के सुनो, डट करके सुनो। क्या कहते हैं कि ये ब्रज क्या है, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदम अव्ययम। ये साधारण धाम नहीं है, ये साधारण धाम के दर्शन नहीं है। आप चले जाइए स्थानों में, जगह जगह पर चले जाइए, आपको बहुत सुंदर सुंदर गार्डन मिलेंगे, पार्क मिलेंगे। अगर वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आपको मंदिर ही मंदिर दिखेंगे। कई लोग एक बार जाने के पश्चात फिर जाने की इच्छा नहीं करते हैं। तो यही है कि तुम इस चीज को अंगीकार करो और इस तत्व को समझो, क्या है ये गुणातीत है, ये साधारण जगत की कोई स्थान नहीं है, इसको उपलब्धि केवल अपने भजन के नेत्रों से द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए गुणातीत तीन गुण होते हैं प्रकृति के, और ये धाम है तो प्रकृति के अंदर, जैसे कीचड़ के अंदर कमल फूल शोभायमान है, ठीक इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में तामसिक राजसिक राज होते हुए भी ये भगवान के लोग वहां से अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान आए इस प्रकार से उनके धाम उनके पार्षद परिकर लोग आते हैं और यही लीला करते हुए अपने धाम को साथ में लेकर के वे चले जाते हैं। धाम की जो अप्रकट अवस्था को फिर बाद में जीव आकर के वहीं पे कृतार्थ होते हैं। तो यही वो धाम है जो गुणातीत है, इन तीनों गुणों से प्रकृति की, सत्व रज और तम गुण से परे है। कैसे अनुभव किया जा सकता है, हम लोग वृंदावन में जाते हैं ना, कुछ दिन पहले ही अखबार में बड़ी चर्चाएं हो रही थी कि वृंदावन में जाते हैं हम, बंदर इतने परेशान करते हैं, प्रशासन की कोई निगाह नहीं है, तो क्या ये वास्तव में ब्रज की जाना हुआ, ब्रज में जाना हुआ क्या? अरे हाँ यार देख, यहाँ पे ना हम आए थे पिछली बारी, हम यहाँ पे टिक्की खाए थे, ये तो टिक्की खाने का स्थान हो गया, तो लस्सी पीने का स्थान हो गया, यहाँ पे गोविंद जी के धरामृत को प्राप्त किया, ये है वास्तविकता, ये है उपलब्धि। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे देखा जाएगा, गुरुदेव बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय के हृदय विलोकन के, भक्ति रूपी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाओ, उस अंजन के माध्यम से हमें क्या मिलेगा, भगवान की दर्शन प्राप्त होगा। गुरुदेव के प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, ज्ञान अति मेरा अंदर से ज्ञान अंजन चला गया, उस ज्ञान रूपी अंजन को लगाओ, संत एवास छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी, संत ने ज्ञान के माध्यम से संसार दशा खंडन करते हुए भगवान के चरण तक लेके जाते हैं। पहले तो ज्ञान ज्ञानांजन, उसके बाद प्रेमांजन, वो ज्ञान भजन और कृपा बरस करके वो ज्ञान भी एक दिन परिपक्व अवस्था में भाव और प्रेम की स्थिति में आती है और फिर जाके भगवान के दर्शन होते हैं। बहुत लोग बातें करते हैं कि हमने भगवान की कितने बार दर्शन कर लिए, हमें तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, तो इस प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पे सांडिल्य मुनि कहते हैं कि वो भगवान की ये धाम है, लीलैव द्विविधं तस्य वास्तविक व्यवहार की, दो प्रकार की लीला है भगवान की, एक वास्तविक लीला व्यवहार की लीला। जिस समय भगवान द्वापर युग में आए, राम तृतीयुग में आए, जितने भी लीलाएं करी वे सब क्या है, वास्तविक लीला। उस समय जितने भी लोग उनको अवलोकन किया दर्शन किया वो सब उनका वास्तविक लीला था। उसके उपरांत व्यासदेव जी ने सारे भगवान की लीलाओं को शास्त्र में ग्रंथिबद्ध कर दिया, ये हम लोगों का भी प्राप्त है। श्रवण के माध्यम से हम उस लीला के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये है व्यवहारिक लीला। श्यामानंद प्रभु जब कृष्ण दुखी कृष्णदास होकर के सेवा कुंज में झाड़ू दे रहे थे, राधा रानी ठाकुरानी ने आए और उनके पांव में पायल बांध रहे हैं,
आंखों से आंसू झर रहा है परंतु आंखों में पट्टी है और सोच रहे हैं जो प्राणेश्वरी की पाद पद्म को चिंतन करते करते जीवन बीत गया, कभी मन में यही अभिलाषा था कि कब राधे आपके चरण की सेवा मिलेगी। आज वो चरण तो मुझे प्राप्त है परंतु उसको देखने की मुझे अनुमति नहीं, कितनी दुर्भागा हूं मैं। और इस बात को सुनकर के जान उपलब्धि करके वो रो रहे हैं, वही पाद है, वही कमल है, वही चरण कमल में पायल बांध रहे हैं, नुपुर बांध रहे हैं, परंतु उस चरण को देख नहीं सकते हैं। इस बात को देखते हुए रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। राधा रानी ने कृपा करके उनकी आंखों से उस पट्टी को खोला तो देख करके गदगद हो गए। जब इस बात को सुनते हैं, इस लीला के अंदर जाते हैं, इसमें हमें भी दर्शन होता है, परंतु कैसे? कान के माध्यम। इसको बोलते हैं व्यवहार के लीला। और एक दूसरे के सहायक है, अगर भगवान ना आते, लीला ना करते, तो हम उस चीज को सुन पाते? नहीं सुन पाते। इसलिए एक महल के अंदर प्रवेश करने के लिए जैसे दरवाजा है, भगवान प्रकट समय में जो लीला करते हैं वो महल है, और ग्रंथ में जो उनकी लीलाओं के वर्णन है उस महल के अंदर प्रवेश करने के द्वार है। इसलिए हम लोगों को नित्य भागवतम सेवया, नित्य रूप में भागवतम की थोड़े थोड़े से पढ़ना जरूरी है। जैसे शरीर के लिए खाद्य जरूरी है, ऐसे ही आत्मा की खुराक ये श्रीमद् भागवतम कथा है। आगे गए तो उन्होंने उनको बताया कि देखो तो अब भगवान उस सारे स्थान को उद्धार करो। बज्रनाथ जी जो कृष्ण के पौपुत्र थे, सांडिल्य मुनि ने आदेश दिया, सब जगह मैं जानता हूँ भगवान ने कहाँ कहाँ पे लीला किया, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस स्थान को उद्धार करवाऊंगा, तुम राजा हो। तो उनको लेकर के गए और जा करके शुरुआत किए। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुराया महावने नंदीग्रामे बृहस्वानु कार्य राज्य स्थिति त्वया। गोवर्धने दीर्घपुरे, गोवर्धन दीर्घपुर डी, मथुरायाम महावन गोकुल में, नंदी ग्राम में, नंद गांव में, बृहस्थानो वसाने में कार्य राज्य स्थिति त्वया, राज्य कार्य को उन्होंने स्थापन किया। कुंड कृपादि कुरते न शिलादि स्थापने न, जो जितने भी कुंड थे 108 ब्रज में 108 कुंड है। अगर आप कभी आपकी है भाग्योदय हो, हम लोगों के भाग्योदय हो गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से, हम अगर ब्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे, सारे लीला स्थान पे बैठ करके हमें भी रोने के सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसे आज से प्रार्थना करते रहिए। ऐसे श्रीमद् भागवतम के चरण में आकर के प्रार्थना करें कि वैसे सारे कुंड, वो सारे स्थान, वो सारे उपलब्धियां हमें भी प्राप्त हो। बज्रनाम महाराज जी ने सारे उद्धार कराए, चार देवी देवताओं को उन्होंने स्थापन किया, मथुरा में केशव देव जी और गोवर्धन में हरिदेव जी, गोविंद देव जी वृंदावन में, और बलदेव जी गोकुल में स्थापन किया। सभी ठाकुर को, जितने भी शिव थे, 12 शिव जो ब्रज में है, भूतेश्वर कामेश्वर रंगेश्वर इत्यादि जितने भी शिव थे, सभी शिवों को भी उन्होंने स्थापन किया दोबारा से। आज हम जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये जो देख रहे हैं जयपुर में, ये सब बज्रनाथ जी के द्वारा प्रतिष्ठित है। समस्त करने के बाद एक बार की बात है, जिस समय कृष्ण के 16,100 पटरानियां थे, एक दिन भगवान तो चले गए, अब विरह है, जैसे बिना पानी के मछली तड़प रहे हैं, ऐसे सभी जितने भी 16,100 द्वारका की महिषियां पटरानियां थे, भगवान के विरह में रोए जा रहे हैं, ढूंढते ढूंढते फिर रहे हैं कि कहां हमारे श्याम सुंदर है, हमें कब मिलेंगे। आ करके जब कालिंदी के तट पे पहुंचे तो कालिंदी वर्णतः कृष्ण के अनुरूप है, उनका वर्ण और भगवान के वर्ण में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, श्याम वर्ण और वो श्याम बनना है। तो इस प्रकार से देखते ही उनको कृष्ण की स्फूर्ति हो गई, जैसे एक माँ के बच्चा कभी बड़ा होकर के विदेश चला जाते हैं, 5 साल हो गया घर नहीं आया, जब माँ उस घर में अपने छोटे बच्चे की कोई भी एक छोटे बचपन की कोई भी वस्तु देखता है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। अभी तो वो नहीं रो रही थी अभी तक, पर अभी क्यों रोई? क्योंकि उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की वो विरह में है, उस व्यक्ति की विरह को ताजा करने के लिए एक वस्तु की जरूरत है, तो वो सारे वस्तु क्या है, ब्रज में अभी भी है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, भगवान की ऐसे वर्ण को देख करके उनके भी वो चीज याद आ गया कि भगवान के स्वरूप ही ऐसा है। कालिंदी के पास आए और देखा कि वहां से गोमुख से गंगोत्री यमुनोत्री से प्रवाहित होकर कि कैसे कालिंदी कलकलनाथ से चले जा रहे, बड़े हंसते खेलते प्रफुल्लित है। प्रश्न किया कि आप तो हमारे भगवान के 16,100 पटरानियों में सर्वोत्तम है, ज्येष्ठा है,
परंतु भगवान के विरह के आप तो स्पर्श नहीं करता। तो वहां पे कालेंद्र उन्होंने उत्तर दिया क्या कि आत्मा तुराधिगत तैव रमणादसो आत्मा राम प्राज्ञ प्रचित गुण देहदपि आत्मा आत्मा तुराधिगत तैव रमणादसो। कहते हैं भगवान की जो आत्मा है वो श्री राधा रानी है, इसीलिए राधा रानी के दास होने के नाते हमें भी विरह स्पर्श नहीं करता। इसीलिए तुम्हें भी मैं उपदेश दे रही हूँ कि तुम भी भगवान की और भगवान की जो प्रियतम श्री राधा रानी की चरण की शरण ग्रहण करो। इसलिए तस्याम अंशांश सर्वा सदा श्री कृष्ण नायिका नित्य संभोग वास्ती। कहते हैं कि वही एकमात्र कृष्ण का नायिका है और जितने भी आप लक्ष्मी देवी काली दुर्गा सबको देखते हो सर्व लक्ष्मी मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी, इसलिए उनके शरण ग्रहण करो। इसलिए वृंदावन धाम में ये विरह की स्थान है और ये जितने भी आप ये वृंदावन धाम में देख रहे हो ना ये सब कुछ भगवान को उद्दीपक है। इसलिए तुम एक काम करो केवल राधा रानी के चरण में जाओ, बोले कि उनकी दर्शन कैसे होएगा, बोले कि तुम उनसे जो भक्त है जो उद्धव जी है उनके पास जाओ और वे तुम्हें ठाकुर जी कहाँ पे हैं कहाँ चले गए हैं जब द्वारका छोड़े वृंदावन छोड़े कहाँ चले गए वो सारा तथ्य उद्धव जी के पास है, क्योंकि जब भगवान जा रहे थे तब उद्धव जी वहीं पर थे। इसलिए उन्होंने कीर्तन करते करते बद्रनाथ जी के साथ सभी लोग गोवर्धन के तटदेश पर आए, कुसुम सरोवर के निकट वहीं पे बैठ करके उन्होंने कीर्तन की शुरू किया। गोवर्धन गिरि निकटे सती स्थले तथरज कामः रूपणस्तम उद्धवेन समाहितौ। कहते हैं कि वही जगह है जहाँ पर कि उद्धव जी ने वहां पे बैठ करके तपस्या की। उद्धव जी दो प्रकार में स्थान पे रह रहे हैं, अभी भी भगवान की अगर चरण कमलों के दर्शन करना चाहते हो शुद्ध भक्तों के आश्रम यहाँ पे शिक्षा दिया, कभी अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हो ना देखो सबसे पहले तो 16,115 आए यमुना जी के पास, यमुना जी ने भेजे उनको उद्धव जी के पास, उद्धव जी नाम के आश्रय दिलाएंगे और नाम के आश्रय ग्रहण करके ठाकुर जी को प्रकट करेंगे, तो कितनी बड़ी बात है। आज हमारे पास गुरु महाराज जी आए, संत लोग आते हैं संत लोगों से मिलाए और संत लोग आपके अंदर जो सोए हुए जो आत्मा है उसको जगाते हैं हरि कथा के माध्यम से हरि नाम के माध्यम से, तब भी अगर हमारे भगवान भगवत अनुभूति नहीं हो रही है इसका मतलब कमी हमारे में है। तो वहां पर कीर्तन आरंभ हुआ है, फिर कीर्तन के माध्यम से भक्त जो उद्धव जी है जो एक स्वरूप में बद्रिकाश्रम में रहते और एक स्वरूप में नारद कुंड के तट देश पर उद्धव कुंड में रहते हैं कुसुम सरोवर के निकट रहते हैं वो उद्धव जी तुरंत उन्होंने प्रकट हुए। गुंजा माला धारण गायन वल्लभी वल्लभम मुहु। कहते हैं उनका स्वरूप कैसा था, गुंजा माला धारण करते हुए उद्धव जी प्रकट हुए, कीर्तन शुरू हुआ उद्धव जी भी खूब नाचे और भगवान की कथा सुनाने लगे। यहीं से उद्धव जी ने भागवतम की महिमा को प्रारंभ किया। क्या बोलते हैं श्रीमद भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते तदा कीर्तिते श्रूयते चापि श्री कृष्णम तत्र निश्चितम। भगवान को हम ढूंढते हैं कहां कहां जाते हैं परंतु कलियुग में भगवान एक भीष्म प्रतिज्ञा लिया है, कहां पे गुरुदेव कथा सुनाते हैं बहुत शिक्षा मूलक कथा सुनाते हैं। जिस समय शकटासुर को वध किया भगवान को कीर्तन कितना प्यारा है, माता ने देखा कि हम लोग गोपियां कीर्तन करेंगे, लाला हमारा बहुत छोटो सा है अगर वो हमारे बीच में रहेगा तो कीर्तन में बाधा सृष्टि करेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया लाला को उस सकट के नीचे सुला करके आंगन में बैठ करके गोपियों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। भगवान में ऐसा लीला रचा मामा जी के हृदय में प्रेरणा दी, शकटासुर को कंस ने आह्वान किया कि जा गोकुल में जा करके कृष्ण को वध करा। वहां पे आए और ज्यों ही उन्होंने सकट को दबाने लगे भगवान केवल अपने चरण को स्पर्श किया तुरंत आसमान में पधार गया और वहां से आकर के सकट ज्यों ही घर आंगन में पड़ा तो सभी लोग आचंबित हो गए, क्या हो गया लाला के ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आया। फिर आकर के देखा कि नहीं लाला सुरक्षित है, माँ ने अपने छाती पे लपटी और तुरंत कीर्तन के अंदर आ गए, बीच में रखा और गोविंद हरे मुरारी विभिन्न प्रकार के भगवान भगवत नाम को ग्रहण करते हुए उत्सव प्रारंभ हुआ। तो भगवान लीला करते हैं कि कहीं पे कीर्तन होता है रह नहीं पाते भगवान खींचे चले आते हैं। तो इसी प्रकार से
भगवान उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्णम तत्र निश्चितम, निश्चितार्थक बोध है यहाँ पे। भक्त कह रहे हैं निश्चित रूप से वहां आते हैं जहाँ पे श्रीमद् भागवतम की कथा और श्रीमद् भागवतम की और हरि नाम की गुणगान किया जाता है वहां पर। नारद जी भी वही बात को, भगवान भी वही बात को कहते हैं। देखो भक्त भी प्रमाणित कर दिए, भगवान भी प्रमाणित कर दिए। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनम हृदय न च मद भक्ते यत्र गायते तत्तिष्ठामि नारद। कि मैं तो केवल वहीं पर रहता हूँ, कोई कहता है ना कि प्रभु आप तो वैकुंठ में रहते हो, कोई कहता है कि आप तो योगियों के हृदय में रहते हो, परंतु हे प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान कहते हैं कि मैं केवल भक्तों के हृदय में रहता हूँ। भक्त हृदय सदा गोविंद विश्रामा, गोविंद कहे नाम वैष्णव पराण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान कहते हैं कि भक्त हृदय में मैं रहता हूँ। अरे विश्राम क्यों करते हैं? हमारे प्रभु जी एक कथा सुनाते हैं कि देखो जैसे एक भोगी है, वो भी भगवान के पास आता है और मानता है। वो क्या मानता है? कि प्रभु जी मुझे धन दे दो, प्रभु जी मुझे पुत्र दे दो, प्रभु जी मुझे स्त्री दे दो, प्रभु जी मुझे सब कुछ दे दो, दुनिया के सारी वस्तु मुझे भोग करने के लिए दे दो। और भगवान दे भी देते हैं फिर भी कामना खत्म नहीं होता, फिर भी मांगता है। भगवान अगर कहीं आप लोग कहीं सो और वहां पे जाकर के कोई बार बार खटखटाए, क्या नींद आ सकता है? तो वहां पे कहते हैं कि मैं यहाँ पे भी नहीं रह सकता, भोगियों के हृदय में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि वो बार बार मांगता रहता है डिस्टर्बेंस। फिर कहते हैं जो मुक्ति कामी है, जिनको कुछ नहीं चाहिए कि प्रभु मुझे केवल ब्रह्मसायु जो मुक्ति दे दो, अचेत अवस्था में मैं पड़ा रहूं, अहम ब्रह्मास्मि में खुद भगवान बन जाऊं, ब्रह्म बन जाऊं, कहते हैं ये भी एक तरह की कामना। जब तक नहीं मिलता तब तक वो मुझे परेशान करता रहता है। परंतु भक्त कहते हैं ना कि जब भगवान को चावल ढुलाते ढुलाते भगवान को जो नींद आ जाता है, उसमें भक्तों को एक आनंद होती है, उस आनंद में तन्मयता इतनी होती है कि उस आनंद में वो खो जाता है, और उस आनंद में खोते वक्त उसकी चावल हाथ से गिर जाता है और भगवान की सेवा में बाधा पहुंच जाता है। भक्तों को आनंद मिलने पर भी भक्त कहता है मुझे वो आनंद नहीं चाहिए जिसमें मेरे प्रभु की सेवा में व्याघात हुआ। ऐसे होते हैं भक्त, भगवान संतुष्ट होते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे सेवा में संतुष्ट हूँ, मांगो क्या मांगते हो? कहते हैं अगर प्रभु आप प्रसन्न हो तो मुझे आपकी फिर से चरण कमलों की सेवा करने की मौका दीजिए। भगवान कहते अच्छी बात है, सेवा ही तो किया, फिर दोबारा सेवा मांगो, तुम्हारे लिए तो कुछ मांगो? बोलते यही तो है, आप सेवा करके हमें ही खुशी मिल रही है प्रभु, इसलिए भक्तों की विशेषता है, इसलिए भगवान यहीं पर रहते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद कथा भागवत सापि नित्यं भवति यद् गृहे तद् गृहं तत्र रूपं वसता हि पापनाशनम्। जिस घर में एक भागवत की पुराण हो है उस घर में कभी भी पाप निवास नहीं कर सकते हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पकान, न यत्र यज्ञम अखामोत्सव सुरेश अपि किं लोक वही सभ्यताम। कहते हैं जहाँ पे भगवान की कथा नहीं है, जहाँ पे भगवान की कोई उत्सव नहीं है, वो स्थान सुरेश लोक इंद्र लोक होने पर भी ऐसे सुख हमें नहीं चाहिए। कीट जन्म हो तथा दुआदास बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आसा। छोटा सा कीट हो जाऊं प्रभु, कुत्ता बन जाऊं, परंतु भक्तों के घर में जन्म दे दो, क्योंकि आपकी प्रसाद मिलेगा, कथा कीर्तन की आवाज आएंगे। हमारे गौशाला में देखिए आप कितने गाय सुबह होते ही मंगल आरती, वे भी भक्त है। सात्विक पशु होने पर भी भगवान जगन्नाथ जी की कितनी कृपा है, सामने विराजते हैं, पट खुलता है, गाय बाहर जाते हैं, भगवान की सीधा निगाह वहीं होती है जगन्नाथ जी की। क्या ही इस प्रार्थना का फल है, कितने जन्मों बाद उन्होंने तपस्या के बाद संतों की कृपा के बाद आज उनको ऐसा जन्म मिला गाय के लिए। तो इसीलिए जहां जहां पर भगवान निवास करते हैं, भागवत शास्त्र निवास करते हैं, वहां पर सारे सारे तीर्थ आकर के गंगे च तत्र यमुना तत्रैव गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थाणि वर्षन्ति तत्र। सारे तीर्थ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रयागराज कथा के उपरांत आकर के यही लोटपट होते हैं, अव्यक्त रूप में देख नहीं सकते, हमारी आंखों में कमी है, परंतु होता है
भागवतम की इतनी महिमा कर ली हुए, कहने को तो अनंत अनंत महिमा है। मैं छोटा सा क्षुद्र जीव क्या बोल सकता हूँ, गुरु महाराज जी इतना आदर से महाराज ने इतने समय हमें दिया, इसलिए आपसे केवल इतना ही अनुरोध है कि महाराज जी यहाँ पे केवल हमें भक्ति देने के लिए आते हैं। अगर कृपा को हमें प्राप्त करना है, भागवतम की वास्तविक कृपा जो है, तो वो केवल मंदिर में आकर के भक्ति के साथ संलग्न रहना, क्योंकि बिना सत्संग विवेक ना हो। सत्संग की बड़ी जरूरत है, घोर कलयुग में सत्संग से बच के जाएंगे कहाँ। इसीलिए सत्संग करते रहे, मंगलारती करे और हरिनाम करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। यही कहकर मैं अपने बाणी को विराम देता हूँ। सकल ओम ज्ञानतमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दोनों ज्ञापन करता है। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए वृंदावन से आए समस्त भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में वैष्णव वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम है। आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस है। कल से हम श्रीमद् भागवत की सुंदर सुंदर महिमा को जान पा रहे हैं महाराज जी के मुखारविंद से, वैष्णवों के मुखारविंदों से। अभी बहुत सुंदर कथा जनार्दन प्रभु ने सुनाई, उसमें यही बताने का वो संदेश दे रहे थे कि हमें समय को व्यर्थ गवा करके नहीं जीना चाहिए, अपितु भगवान के भजन में हमें लगना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े संत हुए, महाराज हुए, यहां तक के भी ब्रजनाथ महाराज जी की कथा सुनाई बहुत सुंदर, ब्रज को हमेशा प्रफुल्लित आनंदित रहे और हमेशा उधर कृष्ण भगवान का आनंद स्वरूप विग्रह नैनों के सामने प्रकटित होते रहे, इस वजह से ब्रजनाथ जी का वहां पर बहुत बड़ा आभार है कलयुग के जीवों पर, जिससे कि सुंदर सुंदर विग्रह, पुरातन विग्रह और ऐसे विग्रह नहीं, पूर्ण सेवित विग्रह, जिनको आज भी हम लोग दर्शन करके बड़े आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं। भक्ति नहीं की जीवन में और जीवन हमने व्यर्थ कर दिया तो अंत समय में हमें पछताना होगा। गीता में कह रहे हैं अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा क्लेवरमा यह प्रयाति माम यम यम अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा क्लेवरमा, मतलब अंत समय में मुझे जो स्मरण करेगा वह मेरे धाम को जाएगा। दूसरा श्लोक था यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरमा तम तमे वैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता, जो जिस भाव को ग्रहण करते हुए इस शरीर को त्यागेगा वह उस भाव को ग्रहण करेगा, और जो अंत में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागेगा वह निश्चित तौर से मेरे धाम को और मुझे प्राप्त करेगा। अर्थात कैसे संभव होगा कि अंत समय में संसार के समस्त भावों का हम त्याग कर पाए और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की, उनकी लीलाओं की, उनके रूप की, उनके गुण के, उनके नाम का स्मरण बना रहे, ये संभव होने वाला नहीं। क्योंकि जीवन भर तो हमने संसार के बड़े बड़े
उपक्रमों में समय दिया है और उनकी चिंता हमेशा मन में बनाए रखी है, तो निश्चित तौर से अंत समय में भी वही उद्योग उपक्रम हमारे मानस पटल में बने रहेंगे और मन हमेशा छटपटाता रहेगा और उस समय जो हमें स्मरण बनेगा वह अगले जन्म का कारण बनेगा। अगले जन्म में, क्योंकि भगवान कृपालु और दयालु है ना, तो अगला जन्म फिर से हमें भगवान जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए वापस यात्रा तल में जन्म प्रदान कर देते हैं। तो बार बार जन्म और बार बार मरण ये कभी भी कटेगा नहीं जब तक हम हरिनाम नहीं करेंगे। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। एक बार जोर से पीछे हाथ उठा करके हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। तो ये बार बार जो जन्म है, बार बार जो मरण है, इससे छुटकारा कैसे हो? एक श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रार्थना वृत्रासुर द्वारा की गई है। देखिए, असुर होने पर भी इंद्र के द्वारा मारा गया है, इंद्र और देवता सब बड़े परेशान थे कि वृत्रासुर को कैसे मारा जाए, तो उनको एक ऋषि हुए दादीची ऋषि, ब्रह्मा जी ने बताया दादीची ऋषि के पास जाइए और वो आपको अपने अस्थियों से अस्त्र जो प्रकट होगा अस्थि प्रदान करेंगे, उस अस्थि से शस्त्र अस्त्र बनेगा जिसको कहते हैं वज्र, उसके द्वारा ही वृत्रासुर मरेगा, नहीं तो ये मरेगा नहीं। बड़ा वीर योद्धा है वृत्रासुर, इस वृत्रासुर को मारना असंभव है जब तक वज्र नहीं तैयार होगा। तो सारे देवी देवता, सारे देवता इंद्र को लेकर के दादीची ऋषि के पास पहुंचे। दादीची ऋषि को अगर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपकी हमें अस्थि चाहिए और उन अस्थि से वज्र बनेगा, तब जाके के वह राक्षस, वह असुर जो पूरे ब्रह्मांड में उत्पात का कारण है उसको नष्ट किया जा सकेगा। तो देखो, अगर साधारण तरीके से किसी से कहा जाए भाई हमें आपकी हड्डियां चाहिए तो कोई दे देगा, लेकिन हमारा ये जो देश है भारतवर्ष, इसमें ऐसे बहुमूल्य, ऐसे महान वीर, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे ऋषि, ऐसे साधु हुए हैं जिसकी हम कल्पना भी आज के युग में नहीं कर सकते, और उन सबको जानने के लिए गुरुजी वैष्णव और शास्त्रों का हमें अवलंबन करना होगा। तो उन दधीची ऋषि से क्या प्रार्थना की कि हमें आप अपनी अस्थि दे दीजिए। दधीची ऋषि बोल रहे हैं अच्छा, अगर ब्रह्मांड में मेरी अस्थियों को देकर के शांति प्रकट होती है तो निश्चित तौर से मैं अपनी अस्थियां आपको प्रदान करूंगा। और ये कहते ही ओम कहकर समाधि में बैठ गए। समाधि में भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, उनकी लीलाओं में ध्यान लगाते हुए शरीर को त्याग दिया, देह को त्याग दिया, और यही नहीं उस शरीर में से ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ कि वो अस्थि इतनी तेजस्वी अपने आप प्रकट हो गई, स्वतः प्रकट हो गई, और उनका जो शरीर है खाल मास में जल गया और वो जो अस्थियां हैं वह सुंदर तरीके से प्रकट हो गए। उन अस्थियों से बड़े बड़े ऋषियों के आशीर्वाद से इंद्र ने वज्र को तैयार किया, तब उस वज्र को ले जाकर के वृत्रासुर पर प्रहार किया जो हजारों वर्षों से युद्ध चल रहा था।
उस युद्ध को यदि वक्रासुर को मारकर समाप्त नहीं किया गया तो निश्चित तौर से समस्त देवी देवताओं को यह नष्ट कर देगा, इतना शक्तिशाली जो वक्रासुर था। और इंद्र में वह शक्ति आ गई उस वज्र को, जैसे ही हस्त में लिया, हाथों में लिया, उस वज्र को ले जाकर के एक प्रहार ऐसा किया जिसमें वक्रासुर एकदम से जैसे बिजली गिरी हो, इतना बड़ा प्रहार उस असुर पर हुआ और वो धड़ाम से गिरा। दूसरा प्रहार जैसे ही किया, उसने देखा कि मेरी स्थिति अब मरणासन हो चुकी है, मुझे अब मरना है। तो उसने अपना सारा चित्त कहां लगाया, भगवान के श्री चरणों में, और भगवान से प्रार्थना की, मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयो स्मृता सुपतेर गुणास्ते प्रणीत वाक कर्म करो तू कायो ना पाक ना नाक प्रष्टम ना चापारमेष्टयम ना सार्वभौमम ना रसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरय कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सतराशुदार्ता प्रियं प्रियेव वयूषितं विषण्णा मनो अरविंदाक्षादि द्रक्षते त्वाम। कह रहे हैं हे हरे, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। अर्थात इस जन्म में तो मैं आपके भक्तों की सेवा नहीं कर पाया, परंतु अगला जो जन्म मेरा कहीं भी हो, मुझे आपके भक्तों की सेवा मिले और उनकी सेवा मुझे इतने प्रिय है, भगवान के श्री चरण कमल मुझे इतने प्रिय है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, उनके भक्तों की सेवा करना चाहता हूं। मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का आधिपत्य राजा भी नहीं बनना, मुझे कोई स्वर्ग इत्यादि भी नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का जो धन है वह नहीं चाहिए, और यहां तक कि योग सिद्धियां भी नहीं चाहिए, और अंततः मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, मेरे अंदर वह छटपटाहट हो भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन हेतु ऐसी छटपटाहट हो जैसे एक अजात पक्षी, उसका जो बच्चे होते जिसके पंख नहीं होते, पक्षियों के जो बच्चे होते छोटे छोटे जिनके पंख नहीं होते, वो अपनी माता पक्षी के लिए बड़े व्याकुल होकर इंतजार करता है कि कब मेरी मैया आएगी और मुझे दाना खिलाएगी। ये जो तड़प है, जो छटपटाहट है अपनी मैया के लिए, ऐसी छटपटाहट मेरे गोविंद से हो जाए। फिर कहा, हे प्रभु, मुझे आपके श्री चरणों में ऐसी छटपटाहट वाली जो है भक्ति हो, जैसे बछड़े छोटे छोटे बछड़े होते हैं मैया के, वो व्याकुल होते हैं अपनी मैया से मिलने के लिए, दूध पीने के लिए ऐसे छटपटाते हैं, ऐसी छटपटाहट मेरे अंदर हो हे प्रभु आपके दर्शन के लिए, जैसे बछड़े अपने मैया को देखकर छटपटाते हैं, कुंडा तोड़ करके दौड़ने लगते हैं, ऐसी छटपटाहट मेरे अंदर हो। और उससे भी ज्यादा इन दो प्रार्थनाओं से भी जब काम नहीं बना वक्रासुर का, तो और भी ज्यादा छटपटाहट का उन्होंने उदाहरण दिया कि हे प्रभु मुझे ऐसी छटपटाहट प्रदान कीजिए आपने लिए, जिस प्रकार से एक पत्नी जो अपने पति के लिए व्याकुल होती है, जो पति कहीं बाहर विदेश में होता है और उसके इंतजार में जो छटपटाहट रहती है, ऐसी या ऐसी मिल सकते हैं, एक प्रियतम एक प्रियसी के लिए जो छटपटाहट होती है, वह छटपटाहट मुझे प्रदान कीजिए मेरे गोविंद, मैं आपके छटपटाहट में ही अपना जीवन जो है न्योछावर करना चाहता हूं और आपके भक्तों की सेवा करना चाहता हूं।
ऐसे वृत्तासुर ने बताया। तो ये छटपटाहट जो पैदा करने की जो लोभ है, इसी को हमारे गोस्वामियों ने बताया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, यदि वह लोभ पैदा नहीं हुआ तो ये राधा कृष्ण का जो सुंदर लीला, जो प्रेम है, भक्ति, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे जिसमें विदग्ध माधव आता है। विदग्ध माधव में ये सारी लीला राधा कृष्ण की आपस में मिलने के लिए और जो उनका प्रेम उत्तरोत्तर जो बढ़ता है उसका दर्शन विदग्ध माधव में मिलता है। रूप गोस्वामी जी ने उसमें एक सुंदर, एक छोटी सी मैं कथा स्मरण हो रही है, अगर महाराज जी आज्ञा करें नहीं तो फिर अगले क्रम में समय लिखा। विदग्ध माधव भगवान श्री कृष्ण को विदग्ध बोला, उसमें क्या है, विदग्ध का मतलब होता है चतुर, जो बड़ी चतुराई से सारी समस्याओं का हल करता है कृष्ण, और कोई भी समस्या आए तो नर्वत लीला करते हुए भी बड़ी चतुराई से उससे निकल जाता है। राधा कृष्ण का जो प्रेम है वह परकीय भाव का प्रेम है, स्वकीय और परकीय आप सब जान गए होंगे पुराने लोग, इसको ज्यादा मैं अभी वर्णन नहीं करूंगा। तो इसमें एक बड़ी सुंदर बात जीव गोस्वामी ने बताई, परकीय और स्वकीय, परकिया में स्वकिया है और स्वकिया में परकिया। जैसे पर पुरुष से प्रेम, इसको परकिया कहा, इस लोक के अंदर ये बड़ा ही गणित है, परंतु भगवान को परकिया भाव में जो प्रेम है बड़ा ही विशुद्ध बताया गया, और वो लीला क्रम से परकिया है होते हुए भी जब निकुंज में समस्त समस्याओं से छुटकारा पाती हुई राधा कृष्ण का मिलन होता है, निकुंज में जब राधा कृष्ण मिल रहे हैं तो राधा का सुंदर दर्शन कृष्ण कर रहे हैं, सुंदर घुंघराले बाल राधा रानी के, सुंदर नयन बड़े बड़े कमल नयन और सुंदर होठ, जहां देख रहे हैं राधा रानी भी उनको देख रही है, कृष्ण सुंदर सांवले सलोने और बड़ा सुंदर उनका चितवन, सुंदर उनका मुखारविंद, मोर पिछ और लालिमा होठों पर और सुंदर मुस्कान इत्यादि देख रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं मिलन में। वहां ऐसा मिलन नहीं है जो आप संसार का मिलन सोचे, ऐसा घृणित मिलन नहीं है, वहां तो निरंतर एक दूसरे को मिलकर के एक दूसरे का दर्शन ही मिलन है, और वो मिलन ऐसा है एक दूसरे के अंदर ऐसे आवेशित हो जाते हैं कि नायक नायिका की भूमि करने लग जाता है और नायिका नायक की भूमि, अर्थात राधा कृष्ण जो कृष्ण हो जाते हैं और कृष्ण जो है राधा रानी बन जाती है, राधा रानी बांसुरी लेकर के उनको बजाने की भूमिका निभाती है, और राधा रानी और कृष्ण राधा की तरह जैसे राधा रानी उनकी सेवा करती है वैसी सेवा करने लग जाते हैं। तो यहां ये बताया कि उस निकुंज में जब राधा कृष्ण एक दूसरे में लीन हो जाते हैं तो उन्हें बाहर की किसी भी अवस्था का कुछ पता नहीं रहता, और बाहर की किसी भी अवस्था का पता नहीं होने का मतलब ही यहां पर क्या होती हुई भी स्वकिया है, अर्थात एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और उन्हें बाहर का कुछ भी नहीं पता कि इस निकुंज से भी कुछ बाहर दुनिया है। तो इसे बोला परकिया में स्वकिया। खैर अब बात आती है, एक बार राधा कृष्ण की जो मिलन की लीला है इसमें गोपियां मंजरियां बड़ी सहायक होती हैं, कभी किसी मंदिर में कभी किसी निकुंज में राधा कृष्ण को मिलाती रहती हैं। तो एक बार तुलसी महारानी जी जो है वो राधा और ललिता से बोलती हैं, देखो ये सामने मंदिर है और ये मंदिर किसका है, ये काली देवी का मंदिर है, और काली देवी में यहां पर आज साक्षात काली देवी जो मेरी सखी है वो पूर्ण रूप से अवकृत हो चुकी है,
चलो तुम्हें दर्शन करा के लाती हूँ। उचक कर देखते हैं तो वहां पर कृष्ण का जहां पर लीला होती है वहां पर एक सुंदर मयूर जो है वहां पर नृत्य करता हुआ मिलता है, वो कृष्ण का ही मयूर है। तो देखती है कि यहां पर मयूर तो ये कृष्ण का है तो आसपास कृष्ण भी होगा। राधा रानी ललिता और विशाखा और तुलसी देवी ये सब जा रही है, अंदर प्रवेश कर रही है मंदिर में। और कृष्ण जो है तुलसी जी को बोल करके कि राधा रानी को यहां पर लेकर आओ, वहां पर एक सखी रूप में वहां विराजमान है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अब वहां पर बैठे हैं कृष्ण और जैसे ही ये तीनों ने प्रवेश किया, सखियों ने प्रवेश किया राधा रानी के साथ और कृष्ण को देखा, हाँ मैं कृष्ण ही हूं, बातचीत शुरू हुई। उधर दूर से राजा रानी की जो सास है जटिला देवी और ननद कुटिला, इनको पता चला कि राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है इस मंदिर में, तो ये लोग वहां पहुंचे और पहुंच के मंदिर के पास कान लगाकर जब सुना तो बड़ा ही सुंदर वह संवाद चल रहा था कि काफी दिनों में मिले, कहां रहते हैं, जबकि रोज मिलते हैं। देखो प्रेम की ये उच्चतम उत्कृष्ट अवस्था है, रोज मिलते हुए भी वो सोच रहे हैं पता नहीं कितने दिन हो गए, कितना समय हो गया। राधा रानी रोज नित्य कृष्ण का दर्शन करती हैं, लेकिन जब भी कृष्ण को दोबारा देखती हैं तो ये नवयुवक कौन है, उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने इनको कभी देखा नहीं, इतना सुंदर उनको प्रतीत होता है कि ऐसा सुंदर पुरुष मैंने आज तक देखा नहीं। ये है उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्रेम की जो है यहां पर उनके भाव प्रकट होते हैं। यहां पर अगर हम देखें साधारण तरीके से प्रेमी प्रेमिका यदि एक बार मिलने तो उनका प्रेम निरंतर घटता और यहां पर निरंतर बढ़ता। यहां राधा रानी का प्रेम बढ़ता तो कृष्ण का उससे ऊपर, कृष्ण का बढ़ता तो राधा रानी का उससे ऊपर, ऐसे ऐसे दोनों की होड़ा होड़ लगी रहती है, ऊपर बढ़ते चले जाते। तो जैसे ही कान लगा के जटिला और कुटिला ने सुना अंदर प्रवेश करने से पहले तो उन्होंने सोचा अपने पुत्र को भी बुला लिया जाए। पुत्र कौन है उनका? अभिमन्यु आयन घोष, उसको भी बुला लिया जाए। तो जटिला ने जाकर के बुलाया अभिमन्यु, देखो आज तो राधा और कृष्ण को मैंने साक्षात जो है मिलते हुए देख लिया है, आज उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे, तुम भी साथ चलो। वो साथ चले और अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो एकदम से कृष्ण जो अभी काली देवी बने हुए एकदम घबरा गए और खड़े हो गए। यहां पर जो तुलसी देवी है वो कहने लगी, अरे तुम जो है एकदम से हल्ला मचाते हुए आ रहे हो, तुम्हें दिखता नहीं साक्षात काली देवी खड़ी है, तुम्हें क्या मर्यादा का भी नहीं पता कि प्रणाम करना चाहिए देवी देवताओं को, तुमने प्रणाम भी नहीं किया और आते ही डांटना शुरू कर दिया, तुम अपनी बहू के कारण ही अभी तक जीवित हो, ये कह दिया। बस कृष्ण तो विदग्ध है, चतुर है, उनको बहाना मिल गया, अच्छा सुंदर एक बहाना मिल गया। उन्होंने एकदम से क्या करा, काली के जो विग्रह था, काली का जो मूर्ति थी उसके समक्ष खड़े हो गए। हा हम काली देवी है, वैसी वाणी देवी की वाणी में बोले, हाँ हम काली देवी हैं और तुम जानती नहीं तुम्हारी बहू यहाँ पर प्रार्थना करने आई है और हम प्रार्थना को सुनकर के उस पर दया डाल करके सोच रही थी कि इस पर दया करें या न करें, तुम जानती नहीं तुम्हारा जो पुत्र है अभिमन्यु इस पर काल मंडरा रहा है, इसकी मृत्यु निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये मथुरा जाने की जिद पर है। अब सब जगह ब्रज के अंदर क्या क्या है कि राधा कृष्ण रोज मिलते हैं, इस सब बातों को सुन करके ये परेशान हो गया अभिमन्यु। अभिमन्यु चाहता है कि मैं मथुरा चला जाऊं और राधा को भी वहां ले जाऊं, तो इसने क्या किया, मथुरा जाने की जिद की है कृष्ण बोल रहे हैं, ये इसके लिए सर्वथा घातक है। क्यों? क्योंकि इसकी बलि चढ़ने वाली है, वहां इसकी बलि चढ़ेगी, वो कैसे, कंस इसकी बलि चढ़ाएगा, उसको बलि का बकरा बनाकर उसकी बलि चढ़ा देगा। तो लेकिन आपकी जो बहू रानी है ये मुझसे पुनः पुनः प्रार्थना करती है और मैं सोच रहा हूं कि जो विधाता ने लिख दिया उसको कैसे पलटूं, मैं सोच रही हूं कि जो विधाता ने लिख दिया उसको कैसे पलटूं। अब इस
वो मैं पलटना भी चाहता हूं, लेकिन तुम लोगों ने व्यवधान डाल दिया। इतना कहती चटिला और कुटिला तो घबरा गई, अरे हमारा जो भाई हमारा जो पुत्र है वो मर जाएगा। कुटिला नर्वस है, अभिमन्यु की बहन वो भी रोने लगी और चटिला भी, उनको प्रणाम किया रोते रोते, हे काली भाई हमारे बेटे को हमारे भाई को बचा लो, इसको जो है बलि मत होने दो। तब बोला ठीक है इसको मैं वरदान देता हूं कि ये ब्रज में रहेगा तो इसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, और यदि ब्रज छोड़कर मथुरा चला गया तो वहां पर ये जीवित बचेगा नहीं, इसीलिए मैं ब्रज के अंदर ये वरदान देती हूं कि अगर ये अभिमन्यु यहीं रहेगा तो ये सुरक्षित रहेगा, और यदि मथुरा गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं। अब यहां सुनकर के तो बड़े पसंद कि हमारी बहू ने इतनी प्रार्थना करी, इतनी पूजा करी, जिससे कि काली माई ने हमारा जो है बेटे को सुरक्षित रखा। ये सब सुनकर के बड़े हर्षित हुए। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है मिलन में जो पकड़े जाते हैं तो बड़ी चतुराई से है वहां से निकलते हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं विदुर माधव में, रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर सुंदर उसमें वर्णन किया है। ऐसे ही हमारे सनातन गोस्वामी जी, छह गोस्वामी है ना, तो उसमें सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम लिखी। जो भी श्रीमद भागवतम सुन रहे हैं उसमें जो सार है भागवतम का, ये तो समस्त वेदों का सार है श्रीमद भागवतम, उसमें समस्त भागवत का भी सार है वो उसके अंदर सनातन गोस्वामी ने बनाया। ये सारी चीजें हमें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। अभी काफी समझ ले लिया मैंने, धन्यवाद। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। की मोर मुकुट कटिकाछनी, की मोर मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली और मार बन के मोर बस सदा बिहारी की। चलो सखी कहाँ जाइए, कि चलो हरि गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। हरि गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। राधे, सभी लोग ताली बजाकर गाएंगे। हो दीवाने मन, दीवाने मन, दीवाने मन राधे राधे गई, दीवाने मन राधे राधे, दीवाने मन राधे राधे कहियो, दीवाने मन राधे राधे कहियो, मन राधे राधे कहियो, श्री राधे कहियो।
कथा सुनते सुनते कम से कम 1.5 घंटे हो गए और मैं क्या गा रहा हूँ, दीवाने मन राधे राधे कहियो, लेकिन किसी के मन में आनंद नहीं आया और मन भी दीवाना नहीं हुआ। 1.5-2 घंटे से कथा सुन रहे हैं, किसी के मन दीवाना नहीं हुआ। अगर दीवाना होता तो जरूर नाचते भगवान के नाम। ताली तो बजाने की दूर की बात है, नाचने की बात तो बहुत दूर की है, ताली भी नहीं बजा रहे। सभी लोग ताली बजा कर एक बार प्यार को सीधा कर ले, खड़े हो जाए और नाचे सब लोग झूम के बिल्कुल। दीवाने मन दीवाने मन दीवाने मन राधे राधे, दीवाने मन राधे राधे, हो राधे राधे कहियो, राधे राधे कहियो, हो राधे राधे कहियो, राधे राधे कहियो, चरण में मन ना कुछ बोल रहे हैं मुंह से। अरे कम से कम ताली तो बजाए।
ना नाश्ते का कोई बात ना है, ताली तो बजा ले राम से लो। अरे मन
अगर ऊपर हाथ उठाकर क्या बोलना है, राधे राधे, उधर से आवाज नहीं आ रहा। आप तो प्रेम जी, आप खाली बोल रहे हैं राधे, लेकिन इधर के लोगों को क्या असर नहीं पड़ा। सब बोलो राधे राधे। क्या बोलना है भाई? आधे आधे नहीं, राधे राधे। सभी लोग हाथ उठाए, प्रेम से उठाएंगे और प्रेम से बोलेंगे क्या, एक बार देख जोर से राधे राधे। प्यार से बोलेंगे, एक प्यार से बोलो राधे राधे। अरे ताली बजा के, अच्छा कोई कोई हाथ नहीं उठाए, इसके मतलब ठाकुर जी ने हाथ नहीं दिया उनको। चलो कोई बात नहीं, जिनके पास है हाथ वो उठाए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, कई बार एक्सीडेंट में उसमें नहीं होता है, कोई बात नहीं, जिनके पास हाथ है वो उठाएंगे। और हाथ उठा, हाथ उठाने का मतलब क्या है, सभी जगह कहते हैं हाथ उठाओ, मतलब जब चोर जब चोरी करता है और पुलिस पकड़ देता है तो वो सिलेंडर करता है कि नहीं, हाथ उठाकर सिलेंडर करता है कि नहीं, करते हैं तो क्यों करते हैं, कि हम अपराधी है, इसलिए सिलेंडर करते हैं हाथ उठाकर। इसीलिए सभी लोग राधा रानी के पास सिलेंडर करें, सिलेंडर करके क्या बोलना है, प्यार से बोलो बगल वाले की सौगंध, बगल वाले की सौगंध में जो बजा रहे उनको थोड़ा नोच देने का है, जो नहीं बजा रहे, ठीक है। सब लोग हाथ उठाए प्रेम से, हाथ उठाकर बोलना है, प्यार से बोलो पतित
वैतानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कड़ौ कड़म सनासाय जाह्नवपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु देना बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तवैव अस्मि तवैव अस्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधेतं नयमां चरणांतिकं। जं प्रव्रजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो भिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। भक्त्या विहेन अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयेकं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभो नित्यानन्द द्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुण वारधि गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में
साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः सर्ग स्वामी पाद रसिक आचार्य वर्ज महामोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल में दंडवत प्रणाम प्रभु के हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद उपस्थित भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल में दंडवत प्रणाम प्रभु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं हरिकथा रस पिपासु समवेत सज्जन सबके चरण कमल में सबके चरण में अधम का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। हरि से बड़ा हरि का नाम, ये कथा अगर हम लोग बोले तो प्रश्न उठ सकता है, ये बात सही है, लेकिन अगर ये बात को भगवान प्रतिपादित करे तब तो प्रश्न उठेगा ही नहीं। भागवत में बड़ा एक मधुमय प्रसंग है जिसमें भगवान की नाम का महिमा बोधक महिमा सूचक एक बड़ी सुंदर कथा है। द्वारिका में भगवान कृष्ण तो थे ही और पास में वामांगी रुक्मिणी देवी भी थी। नारद जी के द्वारा भगवान प्रतिपादित करना में करने के लिए चाहते थे तो नारद जी द्वारिका में पहुंचे, स्वर्ग से एक पारिजात पुष्प लेकर के आए थे, भगवान को अर्पण किए और भगवान उसको अग्रहण करके उन्होंने रुक्मिणी देवी को पकड़ा दिया। नारद जी प्रसन्न हुए, नारायण बोल करके सत्यभामा का पुर में पहुंच गए, बोले देवी गुरुदेव को प्रणाम किए। सत्यभामा ने पूछा कि गुरुदेव क्या समाचार, बोले देवी समाचार हम तो साधु हैं इधर उधर घूमते हैं लेकिन आज बड़ी हमको तो अच्छा नहीं लगा कि घटना देख कर दे। प्रभु को बताइए क्या घटना। नारद जी ने बताया कि देखिए देवी मैं एक पारिजात पुष्प कल्प वृक्ष की पुष्प लेकर के आया था, जो ही भगवान कृष्ण को अर्पण किया कृष्ण ने आपके, मैंने तो सोच रहा था आप जैसा कुलवती रूपवती गुणवती ऐसे नारी जो कि 16108 रानियों में कृष्ण के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्रेयसी प्यारी आप ही होंगे, लेकिन बड़ा विचित्र बात है मुझे तो देख करके इतना अच्छा लगा नहीं, जो कि वो पारिजात पुष्प को उन्होंने रुक्मिणी देवी को पकड़ा दिया, लेकिन आप तो क्षमाशील हो दयावती हो आप क्षमा कर दोगे, लेकिन हम साधु महात्मा है हमारे पास पक्षपातिता शोभा नहीं देता, हम देखने से सहन कर नहीं पाते, इसलिए चलो आपकी बात लेकिन हम चौधरी गिरी क्यों करें, आपकी पंचायती परिवार की बात है पंचायत में हमको फंसना क्या जरूरत है, चलो मैं तो चलता हूँ। नारद जी चल पड़े, बड़े टेंशन में आ गई। कौन? सत्यभामा जी। बोले बाबा रे साधु महात्मा मुंह फुट तो होते ही, कहाँ जाए सब जगह पूरा पूरा बोल दे कि सत्यभामा भगवान की प्यारी नहीं है तब तो काम बिगड़ ही जाएगा। सत्यभामा को इतना क्रोध आ गया कोप भवन में प्रवेश कर गया। भगवान रात को 16108 रूप लेकर के प्रवेश करते सारे रानियों के महल में, जब सत्यभामा में पुर में आए सत्यभामा थी नहीं। सत्यभामा प्रहरी ने बताया ठाकुर जी कोप भवन, कोप भवन में आज दिन में कोई आए थे क्या? ना प्रभु कोई नहीं आए थे, देवर्षि नारद ढूंढते हुए आए और ज्यादा दिन ज्यादा समय टिके भी नहीं चले गए। भगवान सोच ले हाँ तो देवर्षि नारद जी का ही कुछ काम जरूर होगा। तब पहुंच गए सत्यभामा, बोले प्रभु आपकी प्रीति जो प्रेम प्यार है हमारे प्रति बिल्कुल है ही नहीं, आपने पारिजात पुष्प नारद जी ने दिए, आपने पूरा पूरा रुक्मिणी देवी को दे दिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा तो एटलीस्ट सुगंध थोड़ा देते वो भी नहीं। कृष्ण ने बताया देवी
रुक्मिणी देवी के लिए तो पुष्प दे दिया, आपके लिए पूरा पेड़ लाके लगाता, चलो हमारे साथ। सत्यभामा को वहां से उठा करके भगवान लिए, साथ में लिए, भौमासुर को बद्ध करके स्वर्ग में पहुंच गए। पूरा पूरा पारिजात पुष्प को उठा करके लाए और सत्यभामा की आंगन में लगा दिया। सत्यभामा तो बड़े प्रसन्न, लेकिन नारद जी के मन में रहा नहीं गया, फिर आ गए, देवी सब कुछ अच्छा है, गुरुदेव कृष्ण हमको जितना प्रेम करते और किसको नहीं करते, क्या प्रमाण ना? देखिए रुक्मिणी देवी को तो पारिजात पुष्प दिए, लेकिन हमको पूरा पेड़ दे दिए, आंगन में लगा दिए, और क्या बात। सत्यभामा का बात सुनकर के नारद जी ने बताए, देवी देखो कृष्ण तो प्यार होते हैं, लेकिन हर जन्म में मिलते नहीं, कैसे मिलेंगे? नहीं, काम करो, अभी कुरुक्षेत्र आने वाला, कुरुक्षेत्र में सूर्य पराग आने वाला है, कुरुक्षेत्र में सब लोग दान करेंगे, जो अपना प्रिय वस्तु को दान दे उनका अपना प्रिय वस्तु मिल जाए। आप एक काम करो, कृष्ण को आपका अत्यंत प्रिय वस्तु को दान कर दो, और तो आराम से फिर जन्म जन्मांतर का कृष्ण मिलते ही रहेंगे। सत्यभामा तो कृष्ण प्रेयसी है, कृष्ण ही अच्छा लगते, तब तो सूर्य पराग में नारद ऋषि को, नारद ऋषि ने नारद ऋषि को पूछा कि किसको दे सकते, फिर देना है तो किसको दे। नारद जी बोले, हम तो देखो हम तो लेना चाहते, क्योंकि आराम से अगर कोई वस्तु मिलता है, शास्त्र में ऐसा विधान है, कोई वस्तु अगर बिना मांगे मिल जाए तो अमृत की समान है, दूध की समान है, अगर मांगने पर मिल जाए ये तो पानी के समान है, और खींचेदानी करके मिले तो रक्त के साथ समान है। इसलिए बिना मांगे मिल रहे और वो भी कृष्ण और हमको, हमारे तो काम कृष्ण के साथ ही है, तो दे दो हमको। सत्यभामा जी ने संकल्प कर लिया, सूर्य पराग तिथि पर और कुरुक्षेत्र में भगवान को अर्पण कर दिए। जो ही अर्पण कर दिए, नारद जी ने बीणा पकड़ा दी कृष्ण को। कृष्ण तो पूरा पूरा सचमुच कुछ जानते नहीं, बीणा को पकड़ लिए और बोले चलो साथ। सत्यभामा बोली कि गुरुदेव ये क्या, मैं तो कृष्ण को प्राप्ति के लिए ही कृष्ण को दान किया, और आप कृष्ण को लेकर के चलते हो। बोले दान की विधान तो वही होता है, जो वस्तु, अगर गाय कोई दान करता है, गाय का तो रस्सी दाता का हाथ में नहीं रहता, ग्रहिता का हाथ में रहता है, और मैं तो ग्रहिता हूँ आप दाता हो, और तो कृष्ण हमारे ही चाकर बनेगा, नौकर बनेगा, हमारे साथ ही चलेंगे। सत्यभामा तो बड़ी विपत्ति में आ गए, नहीं गुरुदेव अभी तो उनको छोड़ करके हम रह नहीं जाएंगे। बोले चिंता नहीं, अगला जन्म में मिल जाएंगे, आपने जो दान किया अगला जन्म में मिलेंगे। सत्यभामा बोली अगला जन्म की दूर रहे, अभी तो 2 घंटा हमारे लिए स्नान करना मुश्किल हो जाएगा, सारी द्वारिका में पूरा प्रचार हो गया कि कृष्ण को सत्यभामा ने दान कर दिया, द्वारिका छोड़ करके द्वारिकाधीश जा रहे हैं। सब लोग घबरा गए, सत्यभामा गिर पड़े, मूर्छित तो हो गए, गुरुदेव बताए क्या करे। नारद जी ने बताए, देवी एक विधान शास्त्र में है, अगर निष्क्रय आप दे दो, दाता के जो वस्तु के समान निष्क्रय दे दो, तब तो आपका वस्तु मिल जाएगा। निष्क्रय मतलब क्या है, जैसा कोई व्यक्ति के पास में पयोस्विनी दुग्धवती गाय है, तो एक गाय को कोई दान करना चाहे, लेकिन गाय को दान दे दे घर ही चलेगा नहीं, तो क्या करना है, ब्राह्मण को गाय दे दे और दान के स्वरूप, दक्षिणा के स्वरूप, उसका गाय का कितना निष्क्रय सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दे दे, तो वो गाय ले, शास्त्र की विधान रह जाएगा, दान की फल भी मिल जाएगा, धर्म टूटेगा नहीं, मर्यादा की हानि नहीं होगी, काम भी बन जाएगा। ऐसा है देवी, अगर कृष्ण के समान कुछ दे दे, हिरण्य गर्भ पुरुष और क्या दे सकते, सुवर्ण दे दो तो चलेगा, भगवान के समान कुछ भी दे दो, भगवान के समान दे दे तो हम वापस दे दे, छोड़ के चले जाए।
सत्य भामा ने बताया जगत की समान वस्तु क्या है। हम छोटे घर के बटी नहीं हूं। मेरा पिताजी सत्राजित राजा थे, जिनके पास स्यमंतक मणि था, आठ भार मतलब 40 मान सोना प्रकट करती थी, और कृष्ण का समान वजन कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 क्विंटल होगा, कोई चिंता नहीं बाबा, 1 क्विंटल क्या पूरा ज्यादा ले लो। नारद जी ने बताया नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं, वो साधु महात्मा है, बराबर ही चाहिए बस। सत्य भामा ने तो सोचा तो ठीक है, तराजू लगाए, तोला में एक तोला पे बैठा दिए कृष्ण को, दूसरा तोला में तुलने लगे सोना, सारी सोना अपना रख दिए सुवर्ण, कृष्ण की तो पल्ला जमी को छूटता ही नहीं, चिपक गया, और उस तरफ इतना सुवर्ण भर गया, लेकिन टस्से मस नहीं होता तराजू, बड़े घबरा गए सत्य भामा जी। सारी रानियों का सुवर्ण डाल दिए, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। सारी द्वारिका का सुवर्ण डाल दिए, कुछ भी नहीं हुआ। तो सत्य भामा बोले, प्रभु गुरुदेव अब इतना लेकर संतुष्ट हो जाए और मुझे आप हमारे कृष्ण को छोड़ दीजिए। नारद जी बोले, देखो ठीक है साधु महात्मा, ज्यादा लोभी हम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बराबर ही ना हो, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो तो चलेगा, बिल्कुल छूटता ही नहीं, ये नहीं चले। तो बाबा आप कुछ बताइए, क्या नियम करे, फिर क्या कुछ करे। नारद जी ने बताया, देखो देवी एक काम करो, द्वारिका में जितने सारी कोई रानी हो कुछ भी हो, सब लोग को बोलो कोई पुण्य कमाई किया कुछ कोई जीवन में, सब लोग डालो, हो सकता है तो बराबरी हो जाए। तो जितना यज्ञ किए, दान किए थे, पुण्य किए थे, सब कुछ सत्य भामा क्या 16108 रानी द्वारिका वासियों का पुण्य भी रख दिए, पुण्य का फल, लेकिन फिर भी टस्से मस नहीं, अभी तो विपत्ति आई। नारद जी बोले, एक काम करो, ब्रजवासी राधा रानी भी इधर आई है कुरुक्षेत्र में, राधा रानी को जिज्ञासा करो। राधा रानी के प्रति तो सत्य भामा का भी बड़ा मान था, रुक जाते थे, क्योंकि कृष्ण द्वारिका में होते हुए भी राधा रानी को बड़ा स्मरण करते थे, लेकिन विपत्ति आया तो राधा रानी के पास गए और राधा रानी बोली, कोई चिंता नहीं, तुलसी के पत्ता पर केवल श्री कृष्ण नाम ही लिख करके रख दो, तो ज्यादा तुझे संपत्ति सुवर्ण से निकाल दो। कहा कृष्ण उनके साथ इतने सुवर्ण, जड़ वस्तु, जड़ पदार्थ, जड़ पुण्य फल क्या बराबरी हो सकता है। तो सत्य भामा ने निकाल दिए और तुलसी पत्ता के ऊपर श्री कृष्ण लिख दिए, लिख करके जो ही रख दिए, हरि नाम की रहने वाला पत्ता तो जमीन को चिपक गया, और कृष्ण जिनके जिस तरफ थे ये पत्ता, ये पल्ला तो पूरा ऊपर उठ गया। हरिनाम संकीर्तन, पल्ला पूरा ऊपर उठ गया, सब तो हैरान हो गए, बोले देखो पल्ला क्यों ऊपर उठ गया, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण नाम ये दोनों समान है, और तुलसी का पत्ता उसमें मिल गए तो वो नीचे आ गए, कृष्ण हल्का हो गए। नारद जी बोले, देखो इतना हल्का फुल्का व्यक्ति को लेकर हम क्या करें, इतना वजनदार नाम अगर हमारे पास है तो वो सबसे अच्छे, उसको लेके चले, बोले तुम उसको रखो, उसको मैं ले लेता हूँ। सचमुच भाई, हरि से बड़ा हरि का नाम, नाम के सामने हरि भी हल्का हो जाते हैं, इसलिए चलो एक बार हमारे साथ नाम गान करें, 2 मिनट 1 मिनट, फिर उसके बाद थोड़ा सी कथा सुनाएंगे। हरे हराय नमः, कृष्ण जादवाय नमो, 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 ओ जादवाय माधवाय केशवाय नमो, जादवाय Bye.
बाकी सब सचमुच बैठे हुए, ना ताली बजा रहे ना गान कर रहे हैं। इतना हरि नाम की महिमा सुनने के बाद में भी उससे नाम नहीं करता। नहीं नहीं महाराज जी, हम तो ठिका दे के रखा है आपको, आप गाइए हम क्या करें, हम तो सुनने के लिए आए, कथा सुनने के लिए आए, आज बोलेंगे दोनों काम बोलेंगे फिर हमारे साथ चलो, बड़ी मुश्किल बात है, आप लोग के पीछे नहीं पड़ सकते, आप गाइए। सारी वस्तु देने के बाद चटनी खीर पूरी राबड़ी चावल दाल सब मिलाए एक बार में लिए, जो महाराज जी परिवेशन कर रहे थे उन्होंने बताया कि महाराज जी सब मिला के क्यों खा रहे हो, टेस्ट पता नहीं चलेगा। वो बोले तो मैं इसलिए नहीं, इसलिए खा रहा हूँ कि टेस्ट पता ना चले। बोले क्यों? उन्होंने बोले कि क्यों इसलिए, ये जीवा हड्डी बिल्कुल नहीं है, लफ लफ करती है, दिन भर रात भर ग्रामीण कथा संसार की बात बोलो दिन भर बकता रहता है बेवकूफ की तरह, लेकिन जब हरिनाम करने के समय मुझे शासन करता है, उल्टा बिल्कुल नहीं बोलता। ये बात समझ लो, मन ऐसा है सारी काम करने के लिए कंप्रोमाइज नहीं करता, लेकिन हरिनाम करने के समय तो पूरा कॉम्प्रोमाइज कर देता है, मन मिला देता, आपको बहाना बना करके सेट कर देता है। हाँ चलेगा, बिना बोले चलेगा, बोलो, ये तो बोलने वाले हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हमारे क्या जाता है, चुपचाप बैठो कोई चिंता नहीं, मन सेट कर देता है, अपने को पूरा सेट कर देता, मैं कैसे ठीक हूँ, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई, पूरा पूरा बोलो मुख से। मैं देखता हूँ कि इधर तो कुछ कुछ बोलते हैं, माता जी लोग बोल रहे हैं, लेकिन इधर बाबा लोग जो लोग बैठे कोई नहीं बोले, सब आराम से बैठे। हाँ जी, किसको तो बोलो, बाबा बोलो हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, क्या ठीक है भाई, बोलो हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, क्योंकि बोलता तो वही जिनके अंदर जान है, अकर तो मुर्दे की समान है, पूरा काट करके बैठते नहीं, बोलो सब लोग बोलो, जीवा के ऊपर शासन करो, 2 इंच की जीवा को रोज शासन, रोज खिलाते हो पिलाते हो, जो काम लेने के समय बिल्कुल ठग हो जाते हो, शासन करना सीखो जीवा को,
दिन भर खिलाते हो और काम लेने के समय पूरा चुप बैठ जाते हो, कुछ नहीं शासन करते हो, शासन करो, भुलवाओ नाम को। हरे हराय तेने ब्रह्म जरुदादि कवये मुहंति जत सूरयः तेजो बारि मृदं जथा विनिमयो जत्रो त्रिसर्ग मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत की पहला मंत्र, भागवत की पहला श्लोक में बड़ी सुंदर वर्णना है कि जन्मादस्य यतो अन्योयात, जन्म आदि अस्य, ये सारा विश्व ब्रह्मांड जिनसे जिनसे जन्म हुआ, सृष्टि हुआ, पालित तो होता है और प्रलय में विनाश हो जाता है, ऐसे जो भगवान अर्थेषु अभिज्ञः, सृष्टि कार्येषु अभिज्ञः, सृष्टि करने में जो श्रेष्ठ है, ऐसे स्वराट स्वनैव राजन्ति इति स्वराट, जो स्वराट है, स्वयं स्वभायमान है। आजकल के जितने भगवान कभी कभी निकलते हैं उनको वोट देना पड़ता है, अगर 1 करोड़ आदमी किसको वोट दे दे तो वो भगवान बन जाता है, लेकिन कोई वोट दे वो भगवान नहीं बनते, भगवान भगवान ही होते हैं। ये स्वराट है, स्वनैव राजन्ते तेन ब्रह्म हृदाद आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः, उन्होंने जिसने पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया और जिनके द्वारा सारा देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, तेजो बारी जथा विनिमयो, उनका माया की बात क्या बताए, पानी में मिट्टी का भ्रम और मिट्टी में पानी का भ्रम हो जैसा होती है, उनका माया की कमाल तो ऐसे ही है। यत्र त्रिसर्ग मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, लेकिन माया सबको मोहित कर सकता है, लेकिन धामना स्वेन सदा अपना तेज के द्वारा जिन्होंने माया को कबलित करके रखा है, माया जिनके अधीन में है, ऐसे जो सत्य स्वरूप परम सत्य त्रिसत्य भगवान कृष्ण, ऐसे कृष्ण चंद्र को हम प्रणाम करते हैं, शिष्य प्रशिष्य के साथ ध्यान करते हैं। धर्मं प्रज्जित कैतव अत्र परमो निर्मशरणं सतां वेद्यं वास्तव वस्तुतस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंब परिरेश्वरः स
सद्य हृदय अवरध्य तत्र कृतिविः शुश्रूषभिस्तत् क्षणात्। व्यासदेव जी खुद बता रहे, आज तक हमने जितना ग्रंथ रचना किया, जितना जो कुछ बोला था, सब कुछ धर्म के बारे में बताया था, जिसमें धर्म अर्थ काम मुख्य पैतव केवल छलना किया था। आज मैं जो ग्रंथ रचना करने जा रहा हूँ, उसमें कैतव को निकाल दिया गया, जिनका नाम है परम धर्म, शुद्ध भक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि भागवत धर्म के बारे में। और वही भागवत धर्म वेद्यं वास्तव वस्तु अत्र शिवदम्। ये वास्तव वस्तु भगवान कृष्ण के संबंध में विचार उसमें है। अगर वही वास्तव वस्तु के कथा नाम गुण कोई सुने, तापत्रयोन्मूलनम्, तीन प्रकार की ताप उनको उन्मूलन हो जाएगा, मूल से जड़ से उखाड़ देगा। केवल इतना ही नहीं, सद्य हृदय अवरुद्ध तत्र कृति विहि शुश्रूष तत्क्षण, कि सद्य हृदय अवरुद्धते, साथ साथ हृदय में जो कथा, जिन भागवत की कथा श्रवण करने को इच्छा करे, उनका हृदय में साथ साथ भगवान आकर के बंध जाते हैं। बंध जाते मतलब कैदी जैसा कोई घर में बंदी में रह जाता है, जैसा इधर आप लोग स्वतंत्र है, जब इच्छा हुआ तब आ गए, जब इच्छा हुआ तब चले जाएंगे। लेकिन भगवान की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, भागवत सुनने वाले श्रोता के अंदर ऐसा बैठ जाते हैं, इच्छा करने पर भी नहीं जा पाएंगे। कहते नाहम त्यक्ता मिशो नरह, इसलिए सज्जन याद रख लो, जिन लोग को नहीं आना था बच गए, लोग नहीं आए बच गए, लेकिन जो आ गए वो लोग गए। क्यों गए? क्योंकि कृष्ण उनके अंदर पूरा पूरा बैठ जाएंगे, और निकालने के लिए चाहो तो भी निकाल नहीं पाओगे, पूरा आसन जमा के बैठ जाते हैं सुनने से। और सद्य भाई हम तो एक साल ही सुने, दो दिन हुआ, दो दिन होने से क्या है, सद्य हृदय अवरुद्धते, साथ साथ ही बैठ जाते हैं शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। सुनने की बात दूर रहे, सुनने के लिए कोई इच्छा करे तो भी बैठ जाते हैं। इसलिए इसी ग्रंथ की ऐसा महिमा है। इसी भागवत ग्रंथ में परम धर्म की शुद्ध भक्ति के बारे में जिस प्रकार वर्णना किया गया, और ऐसा दूसरा जगह है ही नहीं। इसी भागवत को श्रवण करने से जैसा पाप और ताप पूरा जड़ से निकल जाता है, पाप वृत्ति नष्ट हो जाती है, ऐसे और कोई ग्रंथ श्रवण करने से होगा ही नहीं। और ये ग्रंथ श्रवण करने से जैसा भगवान आकर के स्वयं अंदर बैठ जाते हैं, ऐसा कोई ग्रंथ श्रवण करने पर होता ही नहीं। ऐसे भागवत ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निगम कल्प तरोर गणितं फलम् सुखमुखात अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। पका हुआ इसलिए कहते, पका हुआ मतलब पतितम, ये जो गिरा है सुखदेव की मुख से, लेकिन ये स्वाभाविक रूपेण पतितम, परिपक्व त्वया पतितम न तो बड़ा पूर्वक पातितम, किसने बड़ा पूर्वक पत्थर मार करके ढेला मार करके गिराया नहीं कल्प वृक्ष से, अपने आप स्वाभाविक रूप में परिपक्वता को प्राप्त किया, पक गया। और कोई फल कार्बाइड देकर के पकाओ तो उसमें
इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन वो स्वाभाविक पक जाए तो उसमें ज्यादा टेस्ट आ जाता है। और अगर उसमें भी और तोता मुंह लचंचु लगा दे तो उनका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो भागवत ऐसा पका हुआ फल है जिनमें तोता चंच लगारी पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका भूमि। क्योंकि ये पृथ्वी पृष्ठ में अवेलेबल है, बाहर तो कहाँ मिलता ही नहीं। पूज्यपाद महाराज जी कथा कहते हैं ना कि ये रस पान करने के लिए, कथा पान करने के लिए चाहे शंकर जी को कैलाश छोड़ना पड़ेगा, इंद्र को, इंद्राणी को स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कि वैकुंठ में भी नास्ति अयं रसः, वैकुंठ में भी इस प्रकार रस नहीं है। ये रस तो केवल पृथ्वी पृष्ठ में है। इसलिए सुनो, ये मनुष्य शरीर तो देखने के लिए ऐसा है कि मल मूत्र रक्त पूरा भरा हुआ है, लेकिन होने पर भी उसके द्वारा तो बहुत बड़ी काम हो सकता है। क्या? कृष्ण कथा की श्रवण। तो चलो, ये कृष्ण कथा की सुनने के लिए भागवत में 6 प्रश्न पूछते हैं शौनकादि मुनियों। उसमें बड़ी एक सुंदर प्रश्न है जो कि भागवत की पूरा व्याख्या करती है। प्रश्न में कहते हैं, प्रायेण अल्पायुषः सभ्यः कलाभस्मिन् युगे जनः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि उपद्रुतः। प्रायेण अल्पायुषः, कलियुग में लोगों की आयुष बहुत कम है। बहुत कम क्यों? 100 साल जिंदा रहते हैं? नहीं, दूसरा युग के अनुसार कम है। कलि सत्य युग में मनुष्य 100,000 साल जिंदा रहते थे, त्रेता युग में मनुष्य 10 कम हो गया, कितना साल? 10,000 साल जिंदा रहते थे। द्वापर युग जब आया कितने? 10 और कम हो गया, 1,000 साल। बड़े पंडित थे साल, सबको तो पूरा पूरा कथा सुनते सुनते आ गया। और काली युग में 10 और कम हो गया, कितना? 100 साल। और कुछ दिन बाद में और 10 कम कर देना, 10 साल कम हो जाएगा। तो आजकल देखो कुछ दिन बाद में और 10 कम हो जाएगा, 1 साल। हाँ, आजकल तो देखने के लिए मिलता है। इसलिए 10 साल की बेटा डायबिटीज पेशेंट, 15 साल में बीपी बढ़ गया, 25 साल की लड़का डिप्रेशन में, और 20 साल की लड़का तो बिना चश्मा से देख नहीं पाता है, बताओ। और 60 साल अगर बच गया तो बड़ी बात है, 70 साल किसने जिंदा रहेगा तो प्रणाम करने के लिए इच्छा होती है, बताओ। घोर कलकल आया कि नहीं? 100 साल किसने सेंचुरी मारा तो बाबा रे बाप, बड़ा मुश्किल जिंदा रहना कम समय। लेकिन कम समय हो तो सुविधा क्या है? धन कमाई करने के लिए कम समय नहीं है। आजकल तो लोग घर में बैठ बैठ करके क्या क्या कंप्यूटर में कर करके करोड़ों रुपया कमाई कर देते हैं, 1-2 दिन में कमाई कर देते हैं। लेकिन सज्जन, ये जागतिक धन कमाई करने के लिए तो कम समय नहीं है, आयु बहुत लंबा है। लेकिन भक्ति रूपी संपत्ति को कमाई करने के लिए टाइम चाहिए, इसमें तो बहुत कम समय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, कमाई करना है तो जितना टाइम मिलता है ये नाम रूपी धन को कमाई करो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी धन को
करो, लेकिन उसके लिए आयुष बहुत कम है। इतना सारा शास्त्र पढ़ेंगे कब, बुझे समझेंगे कब, कमाई कब होगी? समझता नहीं व्यक्ति, आयुष बहुत कम है। अगर जान लो, समझ लो कि किसका पास आयुष पूरा ज्यादा है, तब तो हरिनाम कर सकते, लेकिन नहीं। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन जुगे जनहा मंदहा, इनके पास अगर आयुष तो ज्यादा है लेकिन आलसी है। आलसी किस लिए? ठन ठन गोपाल को कमाई करने के लिए नहीं, उसके लिए तो 20 साल पढ़ाई करता है, 4 साल फिर ट्रेनिंग लेता है, 2 साल फिर इंटरव्यू देता है, फिर नौकरी करता है, बड़ा मेहनत करता है। आलसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ से अगर बताओ, बताया था शायद दिल्ली में इंटरव्यू होगा सुबह 7 बजे, यहाँ से जाना है 3 बजे उठ करके। नींद खुलेगा कि नहीं 2 बजे से? सोने का रात को? हाँ, रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि पैसा कमाने के लिए चांस मिल रहा है। लेकिन मंगला आरती 5 बजे हो रहा था, 5:30 कर दो तो भी आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आलसा है। ठीक है, अभी 6 बजे कर देंगे, आओगे? महाराज जी तो भी आलसी है, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मंदा है। कलिजुग के जीव पैसा कमाई करने के लिए आलसी नहीं है, लेकिन परमार्थ रूपी धन को कमाई करने के लिए बड़ा आलसी है। राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिकार, तुलसी ऐसे जीव को आलसी है। हरिनाम करने के लिए एक बार की बात मैं बताता हूँ। पुरी से मैंने निकला, संबलपुर जा रहा था, ट्रेन में एक आदमी मिल गया, बड़ा ऑफिसर, एक क्लास ऑफिसर, लेकिन हमारे सीट में बैठे पास में। हमने पूछा, भाई कुछ हरिनाम करते हो? बोले, नहीं नहीं महाराज, हरिनाम क्या करना है, बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ। भगवान को प्रणाम वगैरह कुछ करते हो? कुछ घर में जाकर के तुलसी को पानी देना, चंदन घिसना, ठाकुर जी को पूजा करना, बोले ये सब करो तो लोग काम करते। हमारे माता जी बोलती है बार बार, ये करो ये करो, मैं चुप बैठ, तुम्हारे काम है, तुम करो, हमको ऑफिस जाना है, तुम हमारे जगह ऑफिस जाओगे? हमने जब 2-4 कथा सुनाया, आर्गुमेंट दिया, लॉजिक दिया, तब उन्होंने बोला कि महाराज जी एक्चुअली बात क्या है, मैं अपना बीबी को ना डोमिनेट करने के लिए सब बोल देता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा आलसी हूँ, सुबह उठो ये सब धंधा करो हमारे द्वारा। व्यक्ति सही बात है भाई, सारी काम करने के लिए तो कमर कस देगा, लड़ाई करने के लिए भी, लेकिन हरिनाम करने के लिए जब आएगा तब सोचेगा कब छुट्टी मिलेगा। देखो महाराज बड़ौत में इतने लोग हैं, हर साल आता है, और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन महाराज नहीं बोलते हरिनाम करो। और हमारे कान भी पूरा क्या, हृदय भी पत्थर हो गया सुनते सुनते, हरिनाम करना ही नहीं। बाबा तुम अपना जिद्दी में रहो, हम तो अपना जिद्दी बाबा तुम अपना जिद्दी में रहो, बोलते जाओ, हम तो अपना जिद्दी में छोड़ेंगे नहीं। हाथ इतना मेहनत करके मिला है, माला लो, पकड़ो, हरिनाम करो, ये धंधाबाजी हमारे द्वारा नहीं होगा भाई। जो कुछ कर लो, खत्म होने के बाद उसी समय बोला नहीं जाएगा, क्या बोला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो रूल्स बना दूंगा। हाँ हाँ, आप क्या रूल्स बनाओगे? नहीं, मैं बोलूंगा नौकरी चाकरी सत्य है, पुत्र परिवार सत्य है, धन संपत्ति सत्य होगा, कोई बोलेगा तो जरूर। आप भी मरने के समय बोलना पड़ेगा, चाहे आपको तो नहीं बोल पाओगे, आपका सामर्थ्य नहीं होगा, इसलिए अभी बोल दो जब सामर्थ्य है। सज्जन बोलने का शक्ति तो सबको भगवान ने दिया, लेकिन सही रूप से बोलना बहुत कम लोग पाता है, और हरि नाम बोलने के लिए तो बहुत कम ही लोग है। हरे कृष्णा।
को ले जा रहे थे, एक छोटा बच्चा ने उसको पिताजी को पूछा, बोले पिताजी क्या बोल रहे हैं? बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गया है, सब कोई बात झूठा है। बोले पिताजी ये सत्य सब तो बोल रहे हैं, लेकिन वो ऊपर जो लेटा हुआ वो क्यों नहीं बोल रहा है? बोले ये मरा हुआ है ना, ये मरा हुआ है। बोले पिताजी इसका मतलब है जो मरे हुए वही व्यक्ति नहीं बोलते हरि नाम, जो मरे हुए है वही व्यक्ति हरिनाम नहीं बोलते। बोले हाँ बेटा, जो मरे हुए व्यक्ति वही हरिनाम नहीं करते, इसलिए जो हरिनाम नहीं करते वो कौन है? वो कौन है? मरे हुए। हाँ, इसलिए हम मरे नहीं, हम जीते हैं। लेकिन बड़ा असुविधा है, अगर मरा हुआ व्यक्ति में प्राण आ गया तो बड़ा खतरनाक है। डेड बॉडी में प्राण है बड़ा मुश्किल है, जो हरिनाम करते नहीं ये क्या है, डेड बॉडी है। लेकिन आजकल देखे ना, डेड बॉडी में से प्राण घूमते इधर उधर से। सज्जन, सही बात ऐसा है, अगर जिंदा रहना है, अगर कोई हरिनाम नहीं करते हैं केवल ऐसा जिंदा है तो समझ लो, सूट बूट पहन लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी कमाई कर लो, ये सारी चीजें मुर्दे डेड बॉडी में जितना अलंकार लगाने पर उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में भी अगर तुमने भजन नहीं किया, समझ लो पूरा पूरा तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। एक व्यक्ति हमको पूछा, महाराज जी बताओ क्या बात है, हमने जीवन में 40-50 हजार रुपया कमाई किया, किसका अन्याय नहीं किया, किसको दुख नहीं पहुंचाया, खाया पिया जिंदा रहा, पिताजी माताजी को दिया, बेटा बेटी को पालन पोषण किया, पढ़ाया बढ़ाया, नौकरी दिलाया, अपना कमाई किया, बूढ़े बन गया, अभी मरने जा रहा हूं, मेरा गति क्या होगा? मैंने बोला बेटा, भाई साहब तुम्हारा गति डायरेक्ट एंड रियल रोड टू हेल, सीधा सीधा नरक की ओर सीधा है, गति नरक ही होगा। बोले महाराज जी मैं तो किसका गलती नहीं किया, कोई भी गलती नहीं किया, कमाई किया खाया, किसको दुख नहीं पहुंचाया, पिताजी माता जी को पालन पोषण किया। मैंने बोला भाई देखो, भगवान शरीर को नहीं दिए थे ऐसा कि केवल कुपर कुवर कुत्ता जैसा सुअर जैसा अपना बेटा बेटी को ही पालन पोषण करता है, समय आया तो मर जाते, भगवान इसलिए मनुष्य शरीर दिया नहीं। और जो शरीर देते हैं उसके लिए मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होता है, क्यों देता हो, कोई कंपनी गाड़ी निकलता है तो है ना उसका मिनिमम है, क्यों निकालते है गाड़ी। तो भगवान जो कुछ करते हैं उसका पीछे कोई कारण नहीं है, जिनका आंख की पलक का गिरने से नजर से ही करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि होता है, प्रलय होती है, पालन हो जाता है, ऐसे भगवान कुछ करे उनका पीछे कोई कारण नहीं है। इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, देखो एक किडनी देते तो ठीक होता, दो दो किडनी दिए, दो आंख दिए, दो कान दिए, कितना सुंदर चमड़ा, कितना सुंदर ढका हुआ है। एक बार तो हमको तो बच्चा बोला, बोले प्रभु जी क्या सुंदर कमाल भगवान ने बनाया, जमीन को ही नहीं पकड़ता, ऐसा पेड़ जमीन से खींचता है, खाता है, बढ़ता है, ये शरीर ऐसा है, घूमता फिरता है, पेट में डालो तो बढ़ता भी चारों तरफ, इतना मजादार शरीर बनाया। लेकिन होने पर भी अगर ये शरीर इसलिए है कि भगवान भजन करने के लिए, अगर भजन नहीं किया, खाया पिया सोया मर गया, एलो आर गेलो, 150 करोड़ आदमी आए भी इंडिया में और जाएंगे, हम भी ऐसा कमाई करते, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, बड़ी चीज कुछ नहीं। लेकिन बात वही है, जिन लोगों को पता भी नहीं, ये लोग भजन नहीं करते अलग बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठे बैठ कर कथा सुन सुन करके भी नहीं करते, ये बड़ा दुख की बात है। समझ लिया? हाँ हाँ करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करते? कते मंदहा अलसहा,
और कुछ कारण नहीं है, बहाना कुछ बना दे। नहीं बाबा लोग का, आप लोग का कुछ काम धंधा नहीं है, आप लोग कर सकते, हम तो गृहस्थी बाबा, हम क्या करें। नहीं भाई, वो कोई गृहस्थी बने कोई साधु बने इसमें कोई बात नहीं है, मनुष्य के लिए बात है, चाहे गृहस्थी बनो साधु बनो सब कोई तो करना है। अगर कोई आलसी नहीं है, कर्मठ है, कहते परमार्थ धन कमाई करने के लिए और एक बात है, क्या है, मंदहासु मंद मतयो मंद मति। मंद मति मतलब क्या है, खराब मति, मति बड़ा, बुद्धि बड़ा खराब है। पहले जमाने में बोलते थे बड़ा स्ट्रांग बुद्धिमान थे, सही बात भी है, चार चार वेद को याद रख लेते थे। आजकल बच्चे को देखो, कुछ भी बोलो तो खुद लिखना पड़ता है नोट में, आजकल तो कंप्यूटर भी लेकर के जाते हैं, कैलकुलेटर के बिना हिसाब नहीं कर पाते बच्चे आजकल, छोटी छोटी हिसाब भी कर नहीं पाते हैं, बुद्धि बहुत कम हो गया। और आजकल तो ये जो रोबोट आ गया, क्या क्या कंप्यूटर आ गया, बुद्धि तो पूरा मर गया, फिर भी बुद्धि बहुत ज्यादा है, सेटेलाइट भेजता है ना, बुद्धि कम थोड़ी है मनुष्य, लेकिन बुद्धि तो उसमें है। बुद्धि इसलिए कम है कि परमार्थ धन रोजगार करने में, असार वस्तु को सार मान लेता है, नित्य को अनित्य को नित्य मान लेता है, इसलिए बुद्धि कम है। अगर किसका सद्बुद्धि है, बुद्धि अगर तेज है, तो भी भक्ति जाजन करने में और एक बाधा है, क्या बाधा है, कहते मंद भाग्य ही उपद्रुतः, मंद भाग्य। अगर किनके पास आयुष है, आलसी नहीं कर्मठ भी है, लेकिन बुद्धि भी तेज है, फिर भी भक्ति जाजन करने में और एक बाधक आती है, क्या है बाधक, मंद भाग्य। क्या मंद भाग्य है, पहुंचना चाहिए था किनके पास, सत साधु के पास, सदगुरु के पास, जाते जाते पहुंच गए असत साधु के पास। असत साधु मतलब जिन्होंने सत वस्तु की परिचय नहीं कराते, असत वस्तु के अंदर ही रख लेते। गुरु ने दीक्षा दिया शिष्य को, शिष्य बताया गुरुदेव, गुरुदेव मंत्र दिए, मंत्र देने के बाद प्रणामी देना चाहिए, जब प्रणामी मांगा गुरु ने, शिष्य ने बताया गुरुदेव कलकत्ता सिटी को आपके नाम पर कर दिया। गुरु तो हैरान हो गए, दिखने लगे क्या बेटा बोल रहा है, बोले गुरुदेव कम हो गया क्या, दिल्ली सिटी को भी आपके नाम पर कर दिया। गुरुदेव तो और बड़े बड़े आकर के देखने लगे, बेटा क्या बोल रहा है। शिष्य बोले गुरुदेव कम हो गया क्या, बेंगलोर सिटी को भी आपके नाम पर कर दिया, स्मार्ट सिटी पूरा तीनों आपके नाम पर। गुरुदेव बोला, पूछा कि भाई ये तीनों सिटी तुम्हारे बाप का। गुरुदेव बोले, शिष्य ने बताया कि गुरुदेव दीक्षा लेने के बाद जाएंगे कहाँ, बोले बैकुंठ में। शिष्य ने पूछा बैकुंठ आपका बाप का, बैकुंठ तुम्हारे बाप का नहीं, शहर में सिटी भी हमारे बाप का नहीं, जैसे गुरु ऐसे चेला दोनों नरक में खेल। भाई अगर असत गुरु के पास पहुंच गए, तुमको तो बोलेंगे आज ग्रह पूजा कर लो, इतना प्रणामी डालो, आज ये इंद्र की पूजा कर लो, काल वरुण की पूजा कर लो, काल गणेश की पूजा कर लो, बेटा की भला हो जाएगा, उनकी भला हो जाएगा, किसका भला तुम चाहने पर कर नहीं पाओगे, ब्राह्मण की ये मंत्र पूजा पूजा पाठ करने से भला नहीं होगा, जहाँ प्रारब्ध में कमाई किया वही होगा ही होगा। भला अगर करना है तो एक ही चीज भला कर सकते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इतना होने के बाद में भी अगर किसके अंदर सद्भाग्य मतलब सत साधु वैष्णव के पास पहुंच गए, तो भी परमार्थ होना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उपद्रुता, मन उपद्रव पहुंचाएगा। क्या है, चाहे सदगुरु मंदिर खोल दे, वैष्णव को ला करके रख दे, कितना सुंदर सुंदर दोनों टाइम मंगल आरती कीर्तन कथा हो जाए, फिर भी अपना मंगल करने के लिए उपद्रव। क्या है, बेटा छोटा है कैसे जा पाऊं,
मंदिर जा नहीं पा। दीदी आप क्यों नहीं मंदिर आते हो? प्रभु जी क्या बताऊं, शाम को तो कथा सुनने के लिए बड़ी इच्छा होती है, लेकिन हमारे वो जाते हैं मार्केट में खाने के लिए आएंगे। दूसरा चीज पूछो, प्रभु जी क्यों नहीं कथा में आते हो? शाम को मंदिर बन गया, कथा रोज होती है, हमारे पूजा जनार्दन प्रभु अच्छा कथा करते हैं, आप क्यों नहीं आते हो शाम को? बोले प्रभु जी क्या बताऊं, बड़ी जंजाल है, झंझट मिटता ही नहीं। मैंने बोला भाई कथा छोड़ के झंझट मिटेगा कैसे? कथा गया होगे नहीं तो कथा झंझट मिटेगा ही नहीं, कथा में तो आओ। ये उपद्रव हम खुद पैदा करते हैं, लेकिन अगर ये उपद्रव को काट करके कोई आ जाए, सतगुरु की शरणापन्न हो जाए, भागवत की शरणापन्न हो जाए, ये बात पक्का है, उनका मंगल सुनिश्चित हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। हम सोच रहे थे 8 बजे कथा को पूरा विश्राम दे देंगे, 8 से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी 8:15 बजे है। मैं 5 मिनट कथा सुना देता हूँ, मेरे को भी बुखार है, इसलिए आज सब वैष्णव से मैंने कथा करवाई, हम लोग सब के सब कथा बोल रहे, 5 मिनट में विश्राम दे देंगे और आप लोग सबके सब चलती आना। कल मैंने कल बता रहा था ना, श्रोता हनुमान जैसे बननी चाहिए। कैसे बननी चाहिए? हनुमान जैसे बननी चाहिए। इसलिए हनुमान कथा से सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, और कथा जब विश्राम हो जाती है, सबको प्रणाम करते हुए वहाँ का धूल लगा करके फिर हनुमान जी वहाँ से जाते हैं। जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं, बताओ बीच में जाते हो ना लास्ट में जाते हो? कब जाते हो? पहले जाते हैं ना। इसलिए अभी प्रभु जी बता रहे ना, झुको द्रुता है, इसलिए दूसरे काम के लिए तो पहले तैयारी बैठते हैं, लेकिन भक्ति की बात बताओ फिर तो हम बहाना बनाते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग एकदम समय पर आओगे, एकदम 8 बजे हम कथा को विश्राम दे देंगे, फिर प्रसाद पा करके, सबसे बड़ी समस्या घर में है प्रसाद की, लेकिन यहाँ पर हमारे भक्त लोग प्रसाद की व्यवस्था किए हैं, कथा के बाद में प्रसाद भी मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए कल नियम है, वक्ता आने से पहले श्रोता हमको पहले आ जाने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं वक्ता आ गए लेकिन श्रोता ही नहीं है, ठीक है। कल एकदम 5 बजे, ठीक 5 बजे सबके सब आ जाना। हाँ, आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे, श्री सौनता देवियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्न में एक प्रश्न है, कलियुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, और जो भागवत का जो सार भी यही है, भागवत का सार भी यही है, इसलिए इसकी प्रश्न में उत्तर देते हैं। बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छतां अकूत भयं योगिनां नृपनिर्णीतां हरि नामानुकीर्तनम्। बोले कलयुग में भगवान को पाने का भगवान सबसे सरल उपाय रखा। ठाकुर जी को पता है ये कलयुग का जीव ज्यादा साधन कर ही नहीं सकते, ठाकुर जी को ये बात पता है। सत्ययुग में था ध्यान, आप सुने होंगे बिना खाए पिए हजार हजार साल तक वाल्मीकि ने ऐसे तपस्या की, कितने हजार साल तक सारा तपस्या के शरीर में दिमक चल गया, तब भी अंदर से आ रहा था नाम श्री राम श्री राम श्री राम। लेकिन कलयुग में अगर एक दिन व्रत रखो तो बोले भैया ये काम कर लो, बोले आज मैंने व्रत रखा है, मतलब एक दिन भी बगैर खाए जीव रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान तपस्या नहीं रखे, उन्होंने ध्यान नहीं रखे, लेकिन कलयुग में कुछ लोग ध्यान करते हैं। बोले कलयुग में ध्यान है ही नहीं, क्यों? कलयुग में मन इतने चंचल है, अर्जुन खुद कहता है द्वापर युग में चंचल ही मन कृष्ण,
बोले हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है। ये द्वापर युग में अर्जुन कह रहा है, तृतीया युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए घी लाओ, सामग्री लाओ, लकड़ी लाओ, दूध दही, एक पता नहीं यज्ञ में कितने हजार रुपया खर्चा हो जाएगा, इतने पैसा गली युग में कहाँ से लाए। द्वापर युग में था अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए भी पंचामृत लाओ, धूप दीप फूल कितने कितने लाओ, जाकर के पूजा होएगा। लेकिन भगवान ने देखा कली युग में ऐसे साधन रखो जो बिना पैसा और बिना कष्ट से साधन हो जाए, वो क्या है, बोले भगवान के नाम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कली युग के बल कलि युग के बल केवल शब्द प्रयोग किया, केवल मतलब केवल हरि का नाम है और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सयने की भोजने की बात जागरणे अहर निश्चित कृष्ण बलोदने, उठते बैठते सोते खाते पीते क्या करो, हाथों में सेवा और मुंह में ठाकुर जी की नाम प्रवास, इससे कल्याण हो जाएगा और कुछ भी करने का हमें जरूरत नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बहुत एक अच्छी बात कहते हैं रूप गोस्वामी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति यहाँ हरिनाम करना शुरू कर देता है उनका अपने आप तीन काम होना शुरू होता है। बोले तीन काम क्या है, बोले नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बोलते हैं रजिस्टर से इसका नाम बता, मतलब ये और कभी जमकर नहीं आएगा, केवल हरिनाम सुर करने का साथ साथ। दूसरा काम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी थाली में आरती सजाना शुरू करते हैं। बोले क्यों, बोले जो व्यक्ति ये हरिनाम करेगा धीरे धीरे भूर भुव स्व मोह जन तपलोक पार करते करते गोलोक वृंदावन में जाएगा। बोले जब वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन में जाएगा उसको मैं आरती उतारूंगा, इसलिए ब्रह्मा जी उसके लिए आरती की थाला सजाना शुरू करते हैं। बोले तीसरा काम गोलोक वृंदावन में से राधा रानी अपना सखियों को कहती है रजिस्टर में सबसे नीचे इसका नाम लिख दो, रजिस्टर में सबसे नीचे इसकी नाम लिख दो, मतलब क्या है, एक दिन वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन जरूर जाएगा। राधा रानी इसका नाम को लिखवा देते हैं, यह हरिनाम करने का इतने महत्व है। और भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते बोले माँ ये हरिनाम कौन कर सकता है, बोले पूर्व जन्म में जो चार काम करके आए हैं वही व्यक्ति ये हरिनाम कर सकते हैं। बोले चार काम क्या है, बोले पहला काम है जो पूर्व जन्म में सारे तपस्या जो कर चुके हैं, सारे तपस्या वो कर चुके हैं पूर्व जन्म में, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री वो चौहत्तों गलिया है। भगवान कहते माँ अहो मत आश्चर्य हो करके कह रहे हैं संपूर्ण जीवा में नहीं, जिनकी जीवा की अग्रभाग में अगर ये ठाकुर जी का नाम उच्चारण हो रहे हैं, केवल अग्रभाग में संपूर्ण जीवा में नहीं, तब वो इतने बड़े पुण्यात्मा है। अगर संपूर्ण जीवा में जो ठाकुर का नाम लेता है, फिर जो कानों में कृष्ण कथा सुनते हैं, जो हाथों में कृष्ण सेवा करते हैं, जो घर से यहाँ तक तो जो चलते चलते कथा सुनने के लिए आए हैं,
तब उनकी सौभाग्यता हम बता ही नहीं सकते हैं। वो व्यक्ति कितने पुण्यात्मा है, कितने पुण्यात्मा है। इसलिए भगवान कल पाए रखा, भगवान की नाम जप करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले हरे कृष्ण बोलो सबके सब, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे पर जोर कर बोलो, बोले हरे कृष्ण क्या दिए साक्षात कृष्ण को उन्होंने दिया है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। गुरुदेव साक्षात ठाकुर जी तुम्हें दे दिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए। भूखा मतलब क्या, ऐसे एक दिन नहीं आए जो माला जपी नहीं किए और भोजन कर रहे खाना खा लिए, हरि नाम किया ही नहीं। गुरुदेव कहते थे जब एक दिन हमने माला नहीं की, इसका मतलब है आज सारा दिन ठाकुर जी भूखे पड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम रूप में आए हैं। एक दिन हरिनाम नहीं किया मतलब ठाकुर स्नान नहीं किए, ठाकुर जी का कपड़ा नहीं बदलाए, ठाकुर जी भोजन नहीं किए, दिन भर ठाकुर जी भूखे में पड़े हुए। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, उनका एक भक्त था जिनका नाम था श्री हरिदास ठाकुर। ये तब भी भोजन करते थे जब 3 लाख हरिनाम इनको हो जाए। 3 लाख जानते हो कितना होता है, 3 बार 64 64 64 माला अगर 3 बार हो जाए तब भी ये भोजन करते थे। महाप्रभु रोज उनको दर्शन देने आते थे और जगन्नाथ जी की प्रसाद उसको देते थे। अभी उनका अंतिम समय आ गया, मृत्यु का समय, अभी शरीर छोड़ने वाले अंतिम सज्जा में लेटे हुए। महाप्रभु बोले हरिदास लो प्रसाद लो, जगन्नाथ जी का प्रसाद लो। बोले प्रभु आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। बोले क्यों, बोले आज मैं जो 3 लाख हरिनाम करता हूँ आज मेरी माला पूरी नहीं हुई। महाप्रभु बोले हरिदास तुमने जिंदगी भर 3-3 लाख हरिनाम किया, अभी तुम वृद्ध हो गए हो, अभी तुम अंतिम सज्जा में लेटे हुए हो, थोड़ी सी माला कम करो। देखो वो संत क्या कहते हैं, बोले प्रभु शरीर मेरा सुस्त है असुस्त बुद्धिमान। बोले प्रभु मेरा शरीर तो चंगा है, शरीर मेरे ठीक ठाक, लेकिन ये जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा दुष्ट मन है। आप देखना सारे काम के लिए तो तैयारी हो जाता है, लेकिन जब हरिनाम भजन की बात बोलो ना उसी समय में सारे बहाना बाज, और कोई काम में ये बहाना बाज नहीं करता है। इसलिए जब गुरु जी से हमने हरिनाम लिए हैं, ये साक्षात गुरुदेव हमें ठाकुर जी को दिए हैं, ठाकुर जी को हमें दिए हैं। देखो एक समय ध्यान देकर सुना, एक समय एक गुरु जी 2 चेले को 2 आम की गुठली दिए। बोले देख बेटा अगर ये आम का गुठली का अगर बोगे इसमें बड़े सुंदर अंकुर निकलेगा, 2 पत्ते निकलेगी, बड़ी सुंदर टहनियां निकलेगा और पूरा तेरे घर को छाया करेगा और बड़ी सुंदर सुंदर उसमें आम का फल आएगा, जिसको तुम ठाकुर जी को भोग ला करके खा भी सकते हो, जिसको तुम बिजनेस भी कर सकते हो। 2 शिष्य को 2 गुठली दे दिए गुरुदेव। एक शिष्य ने क्या किया, वो आया आकर के घर को सामने बीज को बो दिया, बो करके मिट्टी को ढक दिया और ढक करके खड़ी लेकर बैठ गया। गुरुदेव बोले अंकुर आएगा, 2 पत्ते आएगा, टहनी आएगा, 1 घंटा बाद में फिर खोदे, देखा कुछ ही नहीं हुआ। फिर उसने मिट्टी से ढक दिया, पानी दिया, फिर उन्होंने 2 घंटा घड़ी दे करके 2 घंटा बैठा, फिर खोदा, देखा कुछ भी नहीं। फिर उसने 4 घंटा बैठा, फिर खोदा तो देखा फिर कुछ नहीं। रात भर बैठा, फिर खोदा, देखा कुछ नहीं। वो आम का गुठली लेकर गया सीधा गुरु जी के पास में और उठाया गुठली और गुरु जी के सर पर जोर से मारे। बोले गुरुदेव आप इतने झूठ बात बोल सकते हो, बोले अंकुर आएगा, 2 पत्ते आएगा, टहनी आएगी और सुंदर फल आएंगे, घर को छाया देगा। रात भर इसका पीछे नाक भर में सोई नहीं पाया, झूठ इतना बात बोले। लेकिन उसने दूसरे चेले को भी आम की गुठली दिए, गुरु जी ने जो बताया सही बताया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक आर ना करिया मने आस।
मतलब गुरुदेव ने जो बोला है उसको अपना हृदय में धारण करो और प्रभु का नाम को जप करते रहो। वाल्मीकि सत्य युग है तो कलि युग है। सत्य युग में इतने उन्होंने भजन की सारा शरीर दीमक चढ़ गया। कितने हजार साल तक उन्होंने तपस्या की तब भगवान को पाए और दो दिन लेकर के बोले गुरुदेव अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। और कोई मंत्र है कि नहीं आपके पास में? और कोई मंत्र है कि नहीं? बोले गुरुदेव ने जो हरिनाम दिया उसने गुरु जी की वाक्यों को मान करके लेकर गया और उसने बो दिया। सचमुच चार पांच दिन को बाद में देखा सचमुच एक अंकुर आया। अभी गुरु जी की वाक्यों को प्रति तो एकदम दृढ़ विश्वास हो गया। गुरु जी ने जो बोला था सही बोला है। जब देखा एक महीना में सचमुच से वहां पर थोड़ी सी पेड़ बढ़ा हुआ है, उसकी मन में और भी उत्साह आया। गुरु जी जो बताए थे एकदम सही बताए थे। जब देखा एक साल हो गया सचमुच से वृक्ष बड़ा सुंदर वृक्ष हुआ और गुरु जी के प्रति और भी भावना बढ़ गई। गुरु जी जो बताए थे सही बताए थे। लेकिन जब दो तीन साल हो गया देखा सचमुच से वो इतना बड़ा वृक्ष हुआ, पूरा घर को एकदम छा गया, छाया छाया दिया और बड़े सुंदर उसमें फूल आया और बड़े सुंदर उसमें फल आया। जब फल आया, जब एक फल पक के ही तो उसको तोड़ करके गुरु जी के पास में गए और हृदय से गदगद होकर के गुरु जी के चरण में गिर पड़े। बोले गुरु जी आप जैसे जैसे बताए थे ठीक वैसे वैसे हुआ है। इसका पहला फल है गुरु जी आप लोग ठाकुर जी को भोग लगा करके आप सेवा करना। और उसको उसने बिजनेस में भी लगाया और पूरा घर को छाया भी किया है। क्योंकि उसी तरह गुरुदेव ने हमें जो माला दी है, माला नहीं दी है, गुरुदेव हमें साक्षात कृष्ण को हमें प्रदान किया, कृष्ण प्रदान किया। क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए हरि नाम को बताया नाम चिंता मणि कृष्ण। ये हरि नाम नहीं है चिंता मणि। चिंता मणि मतलब क्या? जो मांगोगे वही मिलेगा हरि नाम से। जो मांगोगे अगर सही सही हरि नाम आपने किया, माला को सही सही जप किया, इसी हरि नाम से ही हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं बोले सुमिरि पवन सुत पावन नामो आप न बस करे राखे राम। हनुमान जी दिन भर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता नाम तीन भर नाम करते हैं। हनुमान जी श्री शंकर जी क्या करते हैं बोले पंचमुखे राम नाम दान त्रिपुरारी। दिन रात शंकर जी पंचमुख में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दिन भर प्रभु का भजन करते हैं। आप सरस्वती के चार हाथ देखो एक हाथ में माला है, ब्रह्मा जी के चार हाथ देखो एक हाथ में माला है, हैं? गणेश जी बोले महिमा जासु जान गणराव प्रथम पूज्य नाम प्रभाव। सबसे पहले गणेश जी की क्यों पूजा होती है? केवल भगवान के नाम की प्रभाव से पूजा होती है। दिन भर मैया के आठ हाथ देखना एक हाथ में माला है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सुनि प्रिय वाणी जपी जय प्रिय संग भवानी। क्यों शंकर जी को भवानी इतना प्यारी है? क्योंकि माता पार्वती दिन रात ठाकुर के नाम जप करते हैं, इसलिए शंकर जी भी इतने प्यारी है। तो बोले यही कारण है, ठीक है ना? इसलिए हमने जो माला ली है तब भी माला को भूखे नहीं रखना। और दूसरी बात है जैसे महाप्रभु ने बताए, जैसे कि गमला है उसमें कोई पौधा को बोया, अगर उसमें पानी नहीं देगा तो बताओ कब तक वो रहेगा? दो दिन बाद में सूख जाएगा। महाप्रभु कहते भैया पानी क्या है? बोले पानी साधु संग, पानी साधु संग है। देखो कुछ माताएं यहाँ तिलक लगाए खूब हाथ में माला लेकर जप कर रही है। बोले क्यों कर रही है? चूंकि ये मंदिर में आती है, ये साधु संग करते हैं, हरी कथा सुनते हैं, इसलिए इनके हाथ में देखो माला है, गले में कंठी है, तिलक है और प्रभु की माला जप कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो मंदिर में आते हैं। अगर मंदिर में नहीं आओगे दो दिन बाद में माला फड़ा तिलक तिलक गला से कंठी पंडी सब उतर जाएगी, वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी। नहीं क्यों? आप उसमें पानी नहीं दे रहे हो, नहीं पानी दोगे तो कब तक जिंदा रहेगा? वो सूख जाएगी। इसलिए कोशिश करो मंदिर में आने के लिए कोशिश करो।
तब भी हमने यहाँ पर एक मंदिर भक्त लोगों ने तब भी मंदिर खोले, हम लोग कंटिन्यू आओ कथा सुनो, जन्माष्टमी राधाष्टमी आओ, साधुओं की संगत करो, तभी तुम्हारी भक्ति धीरे 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 पनपना तो ही बढ़ेगी और एक दिन गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएगी और राधा कृष्ण के चरण में पहुंचते हुए हर तो सुंदर सुंदर फल होगा जिसमें गुठली भी नहीं छिलका नहीं, फिर बैठी बैठी करके फल को कृष्ण भक्ति प्रेम रूपी फल को खाते रहोगे, ठीक है ना। इसलिए हरि नाम ठीक से करना, कम से कम खाने से पहले जब तक तो कुछ माला नहीं कर ले तब तक तो भोजन नहीं करनी चाहिए, कुछ माला करके ही भोजन करना, रोज तिलक लगाए करना, गले से अगर कंठी जिन लोगों ने लिए हो अगर गले से कंठी उतर गया, गुरुदेव कहते थे जब तक पुनः कंठी नहीं पहनी लो तब तक पानी तक भी नहीं पीनी चाहिए, क्यों जो कुछ हम बोली बोलते हैं वो तुलसी में स्पर्श होते हुए निकलती है, जो कुछ खाते हैं उसको स्पर्श करते हुए अंदर में जाता है, नहीं तो ये पवित्र नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कभी कंठी टूट गया तो दो बार खो लो, खो करके गले में पहन लो, जब मंदिर में आओगे फिर यहाँ से कंठी गर्दी करके ले लेना, ठीक है। गले से कंठी कभी नहीं उतरनी चाहिए, अगर गले से कंठी उतर गया तो खैर तो मरेंगे तो जमदूत कोड़े मार मार करके ले जाएगी जमदूत, अगर गले में तुलसी कंठी रहेगा, ये जम महाराज कह रहे जिनकी गले में तुलसी कंठी रहेगी जमदूत उनको दूर से प्रणाम करेगा, क्यों ये ठाकुर जी की शरण लिया हुआ व्यक्ति। हम कहते ना दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता, इसलिए जब महाराज जब कुत्तों को बोले जो भक्ति नहीं करते हैं उनको मेरे पास में ले आना, बोले पता कैसे चलेगा ये भक्ति करता है कि नहीं, बोले दो तरह के कुत्ते हैं एक पालतू और एक फालतू, बोले जिनकी पालतू कुत्ते देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है ऐसे किसी घर की कुत्ते हैं, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, इसलिए पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं, इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, हमें ठाकुर जी की पालतू होनी चाहिए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक भजन गाएंगे, भजन में सबके सब नृत्य श्री राम जय जय श्री राम। हरे बाकी भी तो बाकी बिहारी की देख चटा, देख चटा मेरो मन है गयो पता I'm
से बोलो राधे राधे। देखिए खाली प्रेम जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है और पीछे से कुछ नहीं है। ज्यादा ही ठंडी पड़ गई का? अरे जोर से बोलो ना, क्या बोलना है? राधे राधे। हाँ प्रेम से बोलेंगे, सभी हाथ उठाकर प्रेम से बोलो।
प्रसाद नहीं ज्यादा पा पाएंगे वो, इसलिए हाथ उठाकर नाचेंगे और जितने नाचेंगे उतने ज्यादा प्रसाद पाएंगे। बहुत सुंदर प्रसाद बना हुआ है, इसलिए सभी लोग हाथ उठाकर नाचेंगे। क्या कहकर नाचेंगे? सुनाई नहीं पड़ रहा है इनकी आवाज। हाँ, आप थोड़ी सी आइए, अब नेक जोड़ते और बोलो क्या बोलना है। सभी हाथ उठाए और नाचते हुए, सभी नाचते हुए बोलेंगे राधे राधे। नहीं प्रेम से बोलो, हर प्रेम से बोलो। Yeah.
हम सब छलांग लगाकर छत को छूना है और देखिए मोटे पतले हो जाएंगे और पतले जो है वो मोटे हो जाएंगे जितने जोर छलांग लगाएंगे। सब छलांग लगाकर छत को छूना है। नी ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? ऊपर जाएंगे सब। ऊपर जाएंगे ना, जमीन को तो छोड़ते ही नहीं कोई, कोई कैसे ऊपर जाएंगे भाई? सब का तो पूरा अटैचमेंट हो गया है। भगवान इतना मुश्किल से मिला है जमीन, छोड़ के चला जाए? कोई छोड़ना नहीं चाहते। आदत बनाओ भाई, तुमने ये छोड़ गए तो तुम तो छुड़वा जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा तुमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अभी से छोड़ना शुरू करो ना। असुविधा क्या है, पूरा पकड़ के रखते, छोड़ते ही नहीं। हाँ छलांग लगाओ। नी, भाई, 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 भाई।